सो ही गाइस, आई एम एलेक्स एंड वेलकम बैक टू पोकेट 12.5। तो आज हम खेलने वाले नेक्सेमोन को पूरे के पूरे 24 आवर के लिए। तो नेक्सेमोन बिल्कुल पोकेमोन की तरह होते हैं, लेकिन इनके दुनिया में रात दिन का अंतर है। तो असल में पोकेमोन दुनिया के सारे लेजेंडरी पोकेमोन एंड पोकेमोन चैंपियन मिलकर पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, बट नेक्सेमोन के मामले में ये पूरा डिफरेंट है। तो असल में नेक्सेमोन की दुनिया के सारे लेजेंडरी नेक्सेमोन एंड सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मिलकर पूरे के पूरे दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। पर अब देखना यह है कि मैं जिसको आज अपना पहला नेक्सेमोन मिलने वाला है, क्या वो इन सारे लेजेंडरी नेक्सेमोन एंड दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गर ट्रेनर को हरा के इस पूरे के पूरे नेक्स वर्ल्ड को बचा सकता है, या वो उनके सामने घुटने टेक देगा। जानने के लिए देखते हैं मेरी पूरी की पूरी नेक्सेमोन की जर्नी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत में मैं यहाँ से मेल कैरेक्टर को टेक करके अपना नाम रखता हूँ एलेक्स, एंड फिर हम गेम को शुरू करते हैं। तो रोज की सुबह की तरह हम अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं मस्त तरीके से, बट अचानक से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोशन होता है एंड हम बिस्तर से उड़ जाते हैं। अब उठ गए तो हम तुरंत ही नीचे चल पड़ते हैं देखने क्या हुआ है, एंड मुझे पता चलता है मेरे मॉम एंड डैड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कुछ नए मशीन उन्होंने बनाया था इस बंदे के लिए जो कि सामने खड़ा हुआ है, एंड फिर ये मेरे डैड जो है वो उसको दिखाने ले जाते वो वाली मशीन जो उन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट की थी। तो अब मैं मॉम से पूछता हूँ क्या हो रहा है, तो मेरी मॉम मुझे बोलती है तुम उसका टेंशन मत लो, तुम बस नीचे जाओ बिकॉज तुम्हारे दोस्त ने कुछ एक रोबोट बनाया है, तुम्हें उसको बस देखना है। तो एक्चुअली मैं उसे देखने निकल पड़ता हूँ तुरंत ही, बिकॉज मुझे पसंद था रोबोट्स एक्चुअली में। तो यहाँ पर आके मुझे देखने को मिलता है कि मेरी जो दोस्त इली है उसका रोबोट था, बट कोई बुरा बंदा उससे वो रोबोट चुराने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब देख के भाई एक जिम्मेदार दोस्त की तरह मेरा दिमाग खिसकता है, एंड मैं उस बंदे के मुंह में जाके घूसा मारता हूँ। अब उसके पास एक नेक्सेमोन कंटेनर गिरता है, एंड ऑफकोर्स ये चुराया होगा भाई इसने, ये चोर है तो ऑफकोर्स इसने चुराया होगा ये वाला। अभी तो हम इसे छीन रहे होते कि जिसका है उसको वापस लौटाएंगे, बट उसी बीच हमें हाथापाई होती है, नहीं गिर जाता है, उसी मौके का फायदा होता है, वो रोबोट छक्का मारता है। अब जब विराट ने गेंद स्टेडियम के बाहर पहुंचा ही दिया है तो हमने सोचा अपना भी कुछ फायदा ले लेते हैं। तो यहाँ पर थे काफ़ी सारे नेक्सेमोन जो कि नेक्सेमोन कंटेनर्स के अंदर थे, एंड यहाँ पर हर टाइप के नेक्सेमोन थे, अपना नॉर्मल टाइप, फिर मटेरियल, फिर फ्लाइंग, फिर वाटर, फायर, इलेक्ट्रिक एंड ग्रास टाइप। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ग्रास टाइप के साथ जाऊंगा, बिकॉज उसका स्टार्टर लाइन भाई बहुत औसम था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रास टाइप को टेक करूंगा एज माई स्टार्टर। तो मैंने इसको शुरुआत में ले लिया था, एंड मैं ये लेके बहुत ज़्यादा खुश था, उल्लू पुल्लू चिल्लू चिल्लू, बट उसी बीच पता नहीं वो बंदा कहाँ से आ जाता है, एंड अब उसको हमसे बैटल करनी थी। तो एक्जैक्टली मेरे पास नेक्सेमोन थे अपने, तो मैंने शुरू कर दिया उसके साथ बैटल, एंड बाय द वे ये मेरा फर्स्ट बैटल होने वाला था, तो मुझे थोड़ा जोश बहुत ज़्यादा था इस टाइम। तो मैंने सोचा भाई कौन सा अटैक मारूं, फिर मैंने यहाँ पर दी अपना ग्रास टाइप अटैक, एंड एक्चुअली ये बहुत वर्क कर रहा था। मेरा नेक्सेमोन था 6 लेवल का, एंड बेचारे का सिर्फ 2 लेवल का पिट गया ना, एंड जीतने के बाद अपना फर्स्ट बैटल इसका सर चकरा गया, वाह बेटे वाह। एंड फिर हम खुश हो रहे थे कि अचानक से ही मेरे घर से नेक्सो लॉर्ड आता है। एक्चुअली ये बंदा दुनिया का सबसे ताकतवर नेक्सेमोन टेमर है जो कि बहुत ही बुरा एंड इविल है। ये मेरे को देख के बोलता है तुम्हारे पास एक नेक्सेमोन है ना लड़के, बट ये तुम पे मतलब ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमने किसी से लिया है, एंड तुम एक ट्रू नेक्सेमोन टेमर नहीं हो। मतलब मुझे डीमोटिवेट करने की पूरा ट्राई कर रहा है, एंड बोलता है तुम्हारे पास क्या है जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुम कितने ताकतवर हो, मतलब ये बोल के मुझ पर हमला कर देता है। भाई साहब सबसे पावरफुल टेमर सबसे कमज़ोर वाले पर हमला कर रहा है जिसने आज ही स्टार्ट किया है, तो समझ सकते हैं कितना घटिया किस्म का इंसान है। एंड फिर ये अपने बंदे को लात मारता है, एंड इसको उठाता है, एंड बोलता है निकलो, एंड अफकोर्सली मुझे भी वार्निंग देता है कि इसके नज़रों में मैं दोबारा ना आऊँ, एंड ये भी खुद निकल जाता है। भाई बहुत ईविल बंदा था, एंड इसके इस इरादों से हमें पता चल गया था कि भाई ये फ्यूचर में बहुत कुछ बुरा करने वाला है, बिकॉज जो बंदा ना एट द स्टार्टिंग इतना बुरा कर सकता है तो वो सोचो गेम के एंड जाते जाते कितना बुरा हो सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको फॉलो करेंगे ताकि हम इसके बुरे आइडिया को जान सके, बट अभी फिलहाल हमें कुछ अलग करना था, मतलब अपना दूसरा नेक्सेमोन कैच करना ऑफकोर्सली, एंड इसके लिए हम आगे निकल पड़े। तो अब यहाँ पर जो तुम रोबोट देख रहे हो ना भाई, ये होने वाला है मेरे जन्म जन्मों का साथी एक्चुअली इस जन्म का ही, एंड इसने बाय द वे मुझे सबसे पहले तो कुछ नेक्सो ट्रैप दिए जिससे मैं नेक्सेमोन को कैच कर सकता हूँ, एंड फिर इसने बताया कि हिलते हुए ग्रास के अंदर नेक्सेमोन बैठे हुए हैं, एंड हमें अपना फर्स्ट नेक्सेमोन को वहां से कैच करना है। तो मैं तुरंत ही गया अपने फर्स्ट नेक्सेमोन को कैच करने, एंड ये पता नहीं इतना लो लेवल का था फिर भी मुझे सबसे रेयरेस्ट नेक्सो ट्रैप को यूज करना पड़ा इसको कैच करने के लिए। तो फर्स्ट नेक्सेमोन कैच करने के बाद मैं काफ़ी खुश था, बट उसी बीच अपनी दोस्त इली आती है, एंड ये हमें कुछ पोशंस देती है ताकि मैं अपने नेक्सेमोन्स को हील कर सकूं। एंड आफ्टर डैट इली हमें बताती है कि हम नेक्सोलॉर्ड का ट्रैक खो चुके हैं, बट इसी के लिए हम लोग को ओवरसीयर्स को फाइंड करना होगा। एक्चुअली ओवरसीयर्स कुछ ऐसे टीमर्स है जो कि नेक्सोलॉर्ड खुद उनको
चुनता है ताकि वो पूरे सिटी को रूल कर सके। एंड ये नेक्सो लॉर्ड के काफी करीब भी होते हैं, तो हमें उनको फाइंड करना होगा ताकि हम नेक्सो लॉर्ड के बुरे इरादों को जान सके। एंड बाय द वे फिर मैं यहाँ पर चेकआउट करने लगा अपनी बॉक्सेस एंड मुझे यहाँ पर कुछ प्लेयर चेंज का ऑप्शन दिखे, जहाँ पर काफी सारे ऑप्शन थे कैरेक्टर्स चेंज करने का। एंड तुम फॉलो में भी किसी नेक्सोमॉन को लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक नेक्सोमॉन को फॉलो के लिए लगा दिया अपने पीछे। एंड कैरेक्टर में से अपना मेन कैरेक्टर ही रखा है मैंने, चेंज नहीं किया मैंने उसको। एंड फिर यहाँ से हमारी गेम पे मैं आगे बढ़ गया। तो फिर सेकंड रोड के अंदर मैं थोड़ा बहुत अपने नेक्सोमॉन को चेकआउट कर रहा था कि ग्रास में कौन से नेक्सोमॉन्स है, बट मुझे कोई अच्छे नेक्सोमॉन मिल नहीं रहते। एंड एक्चुअली मेरे को मिला भी था एक मेगा रेयर नेक्सोमॉन, बट मैंने उसको देखा ही नहीं था उस टाइम, अभी मैं एडिटिंग के टाइम देख रहा हूँ एक्चुअली मैं। बट जो भी हो, फिर आगे कुछ और मुझे टेमर्स मिले जो कि एक्चुअली मुझसे बैटल करना चाहते थे 1v1 या 5v5 मुझे पता नहीं। हाँ, इनके पास एक ही पोकेमॉन था तो मैंने इनको जल्दी से हरा दिया। बाय द वे इसके पास नॉर्मल टाइप पोकेमॉन था तो एक ही शॉट में बीट हो गया। एंड फिर आगे कुछ और भी टेमर्स थे जिनको भी मैंने काउंटर करके उनको भी बीट करा ताकि इनके औकात पता चल जाए ने। एंड फिर फाइनली तरीके से हम लोग यहाँ पर और एक जगह आ गए जहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ नेक्सोमॉन टेमर्स ने बैटल किया है एंड इनके घर को चला डाला है। भाई साहब इतने बुरे हैं यहाँ के नेक्सोमॉन टेमर्स, देख रहे हो, मतलब हाथापाई कुछ अलग सी मची पड़ी है इस दुनिया के अंदर। बाय द वे जो भी हो, हम लोग थोड़ा और आगे आ गए नेक्स्ट सिटी के अंदर। एंड बाय द वे इस सिटी के अंदर था एक पोकेमॉन सेंटर, आई गेस सॉरी नेक्सोमॉन सेंटर, या जहाँ पर की क्यूट नर्स है जिससे मैंने अपने नेक्सोमॉन को हील कराया था। एंड फिर यह है रॉन का दुकान जिसमें तुम कुछ भी खरीद सकते हो। एक्चुअली मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें बाई की, तो अब मुझे सिटी ओवर सीयर को बस फाइंड करना था, तो इसके लिए मैं उसके जिम में निकल पड़ा। भाई भी ये कोई पोकेमॉन जिम की तरह नहीं है, ये बस एक नॉर्मल जिम है जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करते। एंड ये बंदा भी जिम का शौकीन था, बॉडी बिल्डिंग करना है इसको, तो इसके लिए यहाँ पर था। तो मैं भाई इसके पास गया एंड इससे पूछा क्या तुम नेक्सो लॉर्ड के बारे में कुछ जानते हो। एक्चुअली इसने कहा ये जानता है बट ये मुझे तभी बताएगा अगर मैं इसे हरा दूँ तो, फिर ठीक है ताकि मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं भर्ती हूँ क्या नहीं। तो मैंने इसके साथ बैटल शुरू की एंड बूम शकालका बूम शकालका, गेम ओवर। तो एक्चुअली अभी ये हुआ था कि मैं उस बंदे से हार गया था एंड इसके खातिर मेरा गेम ओवर हो गया। अगर मैं एक भी बंदे से इस गेम में हारता हूँ तो मेरा गेम तुरंत ही ओवर हो जाएगा एंड मुझे वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस बार उस बंदे से बैटल करने के लिए मैंने एक रेयर नेक्सोमॉन को कैच किया, फिर इस छोटे से ग्रास टाइप नेक्सोमॉन को टीम से निकाला एंड अब मैं वापस से आ गया था उससे बैटल करने, बिकॉज मैंने थोड़ी ट्रेनिंग भी कर ली थी। एंड इस बार इसके पहले के दो नेक्सोमॉन तो भाई हवा के झोंके के साथ ही उड़ गए, मतलब दिखे ही नहीं वो। एंड फिर इसका तीसरा नेक्सोमॉन आया एंड इसने मेरे प्यारे से छोटे से नेक्सोमॉन के ऊपर बोंड अटैक कर दिया। अब बोंड अटैक कुछ ऐसा होता है कि इसके ऊपर ना तुम कोई भी रिएक्ट नहीं कर सकते, तुम कोई भी मूव भी नहीं कर सकते, चाहे तुम बोंड हो, पैरालाइज हो या तुम कन्फ्यूजन में चले जाओ, तुम एक भी अटैक नहीं कर सकते इस गेम के अंदर। एंड ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है, बट जो भी हो फिर मैं रैन नेक्सोमॉन आता है आउल एंड ये की शॉट के अंदर इस नेक्सोमॉन को फिनिश करता है। एंड अब बाकी था उसका चौथा नेक्सोमॉन जो कि था एक नॉर्मल टाइप बंदर, तो इस बंदर का भी मैं कलंदर कर देता हूँ तुरंत ही एंड फाइनली इसको हरा देता हूँ। एंड अब हारने के बाद ये लोअंडा बोलता है नेक्सो लॉर्ड के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। एक्चुअली ये कुछ नहीं जानता बिकॉज नेक्सो लॉर्ड भाई सबसे ताकतवर टीमर है, इसको थोड़ी कुछ बताएगा, एक्चुअली ये हमें बता रहा था। एंड फिर ये बताता है बट मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो पता है कि नेक्सो लॉर्ड के कुछ चैंपियंस हैं जो कि नेक्सो लॉर्ड के नीचे काम करते हैं। एंड फिर तुरंत किसी का साउंड आता है कि तुम्हें कैसे हिम्मत हुई हमारे बारे में बताने की। एक्चुअली ये नेक्सो लॉर्ड का एक चैंपियन था एंड तुरंत ही बोलता है इसे कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, तुम अब एक ऑब्जर्वर नहीं हो बिकॉज तुमने रूल को तोड़ा है। किसी को भी अधिकार नहीं कि वो नेक्सो लॉर्ड के चैंपियन के बारे में बात करे एंड खासकर ऑब्जर्वर को। तो भाई इसको तो भाई निकाल दिया जाता है ओवरसियर के रोल से, ठीक है। तो फाइनली अब इसको जब निकाल लिया गया तब इसको गुस्सा आता है एंड बोलता है मैं बदला लूंगा तुमसे। एंड ये इससे फाइट करने को आता है तुरंत ही, बट भाई ये लौंडा पावरफुल था एंड ये इसको बहुत दूर फेंक देता है। एंड एक बार नहीं दूसरी बार सेम चीज़ करता है इसके साथ एंड फिर ये बोलता है मेरे पास तुम बच्चों से लड़ने का टाइम नहीं है, ये निकल जाता है इसके। भाई इतना इविल है भाई नेक्सो लॉर्ड का बस चैंपियन ही एक। एंड फिर ये लौंडा मुझे बोलता है इसको तो नौकरी से निकाल दिया गया बट मुझे दूसरे ओवरसीयर से बात करनी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट टाउन में रहता है एंड इसका नाम है ट्रैमोस। एंड फिर बाहर हमें हमारी दोस्त इली मिलती है जो कि हमें बताती है कि नेक्सो लॉर्ड ने अब अपनी जिंदगी का फर्स्ट टाइम ओवरसीयर्स के साथ एक प्राइवेट ब्रॉडकास्ट किया है एंड शायद से उस पर उसका सारा प्लान उसने मैंशन किया होगा। तो अब अपन लोगों को भाई अभी जल्दी से जाके ओवरसीयर ट्रैमोस से मिलना होगा ताकि हमें पता चल सके कि उस ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या था एंड नेक्सो लॉर्ड के इविल प्लान क्या है। तो इसी के लिए हमें नेक्स्ट सिटी मतलब माउंटेन की ओर जाना पड़ेगा, बट उसी बीच केव में कुछ दरारें थी एंड हम सोच रहे थे कि मतलब केव में जाएंगे किसी भी को सामने पत्थर थे। एंड फिर हमारा दोस्त आता है एंड ये आके तुरंत ही भाई अपने दौरे या जो भी इसके हाथ में था इससे तुरंत ही ताकत से हटा देता है सबको।
इतना ताकतवर था ये। बट जो भी हो, फिर फाइनली हम अंदर जा पाते हैं। अंदर काफी सारे और नेक्सोमोन टीमर्स हैं जिनको हम हराते हैं, एक के बाद एक हराते हैं, नहीं लगातार हराते हैं। अच्छा चलो सबको हराते हैं, एंड अब तो हद हो गई। बाय द वे जो भी हो, फिर हम फाइनली यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर जाने के बाद हमें यहाँ पर कैच करना था एक मेगा रेयर नेक्सोमोन को। एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही मेगा रेयर नेक्सोमोन मिलता है, बट उससे पहले मुझे इस बंदे को हराना था जिसको मैंने तुरंत हराया। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मैं मेगा रेयर नेक्सोमोन को कैच करने लग गया। तो शुरुआत के टाइम में मेरे को मेगा रेयर नेक्सोमोन मिला नहीं था, बट आफ्टर 13 मिनट्स लगा था इसको कैच करने में, फिलहाल मुझे नेक्सोमोन मिल गया था। तो तुरंत ही भाई मैंने इसको कैप्चर करने के लिए थोड़ा छोटा मोटा डैमेज दिया, एंड फिर जो भी हो मैंने इसको तुरंत ही अपना नेक्सो ट्रैप फेंक दिया, जो कि रेड वाला होता है। गोल्डन वाला तो था एक, बट यूज नहीं करने वाला था मैं, तो रेड वाले से मैंने इसको तुरंत ही कैप्चर कर लिया। तो आगे हम माउंटेन वाली सिटी में फाइनली तरीके से आ गए थे। एंड यहाँ पर आने के बाद पहला काम था सोते हुए बंदे के घर से कुछ आइटम्स चुराना। एंड फिर आगे मुझे एक बंदा मिला जो कि बता रहा था कि वो एक स्पेशल सीक्रेट मिशन पे आया है, एंड उसने और ज़्यादा कुछ मेरे को बताया नहीं, टॉप सीक्रेट मिशन ऐसा बोल के एंड ये निकल लिया। तो बात ही क्यों किया था मेरे भाई। भाई दीवे जो भी हो, ये आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। एंड फिर भाई दीवे मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। ये लड़की मेरे को बताती है कि इसने ग्रीन हेयर वाले वुमेन को देखा है उड़ते हुए, एंड जो कि पता नहीं इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा, बट मुझे भी लगा था शायद से कोई पंची बन चुकी नेक्सोमोन की, ठीक है तो मैंने ये समझा था, बट आगे तुम्हें पता चलेगा किसको देखा था इसने भाई। मैं जब जो भी फिलहाल मैं थोड़ा और आ गया था, यहाँ पर कुछ लोग नहा रहे थे, एक भालू, एक दो बुड्ढे, एंड इसके बीच ये फूल की कली क्या कर रही है, निकालो इन बुड्ढों को भाई बीच से। तो यहाँ आगे मैं तुरंत ही निकल पड़ा उस माउंटेन वाले ओवरसियर के घर पे, बट यहाँ पर मुझे वो नहीं मिला, ऊपर से मुझे कोई और बंदा मिल गया। एंड यहाँ मैं देखते डर गया था बहुत ज़्यादा, बट हमने उससे तुरंत ही पूछा कि ओवरसियर रैमूस कहाँ पर है, बट इसने हमें बताया कि वो तो बाहर गया है, तो तुम उसको उधर पर जाके ढूंढ लो। एंड फिर ये लौंडा का जल्दी था, ये तुरंत ही निकल पड़ा। एंड या अपन लोगों को जाना था ओवरसियर रैमूस के पास, तो इसके लिए हम आगे निकल पड़े थे। बट उसी बीच में वही बंदा वापस से मिलता है जिसको हमने पहले पीटा था, एंड या सिक्सर भी मारा था। एंड अभी मेरे को देख के फाइनली पहचान गया था कि मैं इसका दुश्मन हूँ, और दुश्मन से क्या करते हैं, ऑफकोर्स बैटल। तो इसने मेरे साथ बैटल शुरू कर दी, जिस बैटल के अंदर मैंने इसको तुरंत ही बहुत ईजीली हरा दिया। एंड उसी बीच यहाँ पर ओवरसियर रैमूस आ जाते हैं, एंड ये मिनियन ओवरसियर रैमूस को देख के तुरंत ही बोलता है कि ओवरसियर रैमूस प्लीज इन दोनों को सबक सिखाइए, बिकॉज ये नेक्सलॉट के खिलाफ है। एंड फिर रैमूस इनको बताते हैं तो तुम इनको क्यों नहीं हराते, क्योंकि तुम इनसे ऑलरेडी हार चुके हो, तुम नेक्सलॉट का नाम खराब कर रहे हो, एंड इसलिए तुम्हें पहले सजा मिलेगी इन लोगों से पहले। एंड ये बोल के ओवरसियर रैमूस इन दोनों को, मतलब इसको, सिर्फ इसको बहुत ही गंदे तरीके से एक पंच मारते हैं एंड वॉल में चिपका देते हैं। एंड मुझे बोलते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अभी हमें कोई नहीं देख रहा, मतलब रैमूस हमारे साथ थे। एंड फिर हमने तुरंत ही रैमूस से पूछा कि प्लीज़ हमें वो ब्रॉडकास्ट दिखाइए जो कि नेक्सोलॉर्ड ने हर ऑब्जर्वर के साथ शेयर किया है। एंड फिर ये तुरंत बोलते हैं कि मैंने भी वो अभी तक नहीं देखा, बट अगर तुम मेरे घर आते हो तो मैं ऑफकोर्स हम दोनों साथ में उसको देख सकते हैं। एंड आफ्टर डेट ये बोलते हैं कि पहले मुझे इस लौंडे को ठिकाने लगाना है, तो ये फिर से इसको मतलब सिक्सर गया, इसके लिए लिटरली मेरे को बुरा लग रहा है। बट जो भी हो, फिर मैं आगे आता हूँ एंड यहाँ पर भाई कुछ और बंदों के साथ मैं बैटल लेता हूँ, एंड इसके पास होता है एक मुर्गा। भाई देवी जो भी हो, फिर मैं नीचे जाता हूँ एंड यहाँ पर मुझे कुछ मेगा रेयर नेक्सोमोन्स को कैच करना था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आधा घंटा तो बिता लेता हूँ, मुझे कुछ घंटा नहीं मिलता लिटरली आधे घंटे के अंदर, बट फिर यहाँ से जब मैं बहुत ज़्यादा ही ढूंढ रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा होता हूँ एंड मुझे घंटा नहीं मिलता। बट जो भी हो, फिर मेरा लक थोड़ा अच्छा होता है एंड मेरा एक नेक्सोमोन इवॉल्व हो जाता है। एक्चुअली ये मेरा स्टार्टर नेक्सोमोन था जो कि अपने सेकंड स्टेज में इवॉल्व हो चुका था, जो कि मेरे दिल को थोड़ा सुकून दिया। एंड फिर फाइनली और बहुत देर बाद मुझे यहाँ पर एक मेगा रेयर नेक्सोमोन मिल जाता है। तो 45 मिनट के बाद फाइनली मुझे एक मेगा रेयर नेक्सोमोन मिला था, तो मैं काफ़ी खुश था। मैंने तुरंत इसको थोड़ा मोटा डैमेज दिया एंड उसके बाद मैंने अपने नेक्सो ट्रैप को भेज के इस नेक्सोमोन को तुरंत ही कैप्चर कर लिया। तो फिर मैं और आधे घंटे तक यहाँ पर सफ़र करता रहा, बट मुझे यहाँ पर कुछ नेक्सोमोन मिल नहीं रहे थे मेगा रेयर। एक्चुअली मुझे दो नेक्सोमोन कैच करना था एंड फिर फाइनली वो नेक्सोमोन मुझे मिल गया, एंड इतना खुशी में मैं था कि मैंने इसको एक अटैक से मार भी दिया। भाई एक घंटे बाद मुझे मिला था ये। भाई दी फिर जो भी हो, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने पेशेंस रखा एंड और आधे घंटे के बाद फाइनली वो मुझे नेक्सोमोन दोबारा मिला। तो इस बार मैंने इसको छोटा मोटा डैमेज दी एंड ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने नॉर्मल नेक्सो ट्रैप को भेज गई, मैंने तुरंत इस नेक्सोमोन को कैप्चर कर लिया। तो आगे मैं रैमूस के पास आता हूँ एंड रैमूस मुझे यहाँ पर बताते कि उनके घर पे चोरी हो चुका है एंड उनका जो ब्रॉडकास्ट जिस टैबलेट के अंदर था वो भी चोरी हो चुका है।
तो अगर हमें अभी उस ब्रॉडकास्ट को देखना है तो पहले उस टैबलेट को लाना पड़ेगा उस चोर के पास से, एंड एक्चुअली वो वही बंदा चोर था जो कि सबसे पहले हमें इनके घर पे दिखा था। तो हम इसको ढूंढने के लिए आगे जा ही रहे थे कि अचानक से हमें ये ऑफिसर वापस से मिलता है, सीक्रेट ऑफिसर, जिसने हमें बताया कि एक बंदा तो जा रहा था यहाँ से, एंड इसके ऊपर इसका शक है, एंड वो माउंटेन की ओर गया है। तो अभी हमें जो उस माउंटेन मतलब केव के अंदर जाके उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, तो ये भी हमारे साथ जाने को मान जाता है। एंड फिर तुरंत ही हम तीनों मिलके इस बंदे के पास आते हैं एंड इसको तीनों तरफ से घेर लेते हैं, एंड नीचे की तरफ तो खाई था ही। तो भाई जी फिर हम इससे बोलते कि वो नेक्सो लॉर्ड मतलब तुम जो भी हो, तुमने उसके घर पे चोरी किया है, ठीक है, एंड वो चीज़ हमें वापस करो। तो ये बंदा बोलता है मेरे पास बहुत पावरफुल नेक्सो मॉन है, एंड इसके साथ ही हमें से बैटल शुरू कर देता है। तो इसके पावरफुल नेक्सो मॉन्स को मैं तुरंत ही भाई मतलब चुमचुरा कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। एंड आफ्टर डैट इसके साथ नेक्सो मॉन को ख़त्म करने के बाद ये लौंडा बोलता है अच्छा वो चीज़ ठीक है मैं वो देने को तैयार हूँ, एंड तुरंत ही वो टैबलेट मेरे को दे देता है। एंड आफ्टर डैट ये इधर से भाग जाता है एंड अपना पुलिस ऑफिसर भी इसके पीछे भाग जाता है। एंड फिर तुरंत हम जेमोस के घर आते हैं, जेमोस हमें बोलता है कि पीछे रहो, पता नहीं क्यों बट ये हमें ये बोल रहा था। एंड फिर हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ही तूफान जैसा आ चुका है यहाँ पर, एंड ये था नेक्सो लॉर्ड का और एक चैम्पियन ऑफ विंड नैडीन। एक्चुअली ये अभी यहाँ पर हमें ख़त्म करने आई थी बिकॉज ये हम नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ काम कर रहे थे। एंड अब ये जेमोस को ऑर्डर देती है कि तुम जल्दी से इन दोनों बच्चों को यहाँ से हटा दो ताकि नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ कोई रहे ना, मतलब हमने प्रोटेस्ट किया था नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ कि हम उसके खिलाफ चीज़ें कलेक्ट कर लें, तो इसी के लिए हमें ख़त्म करने आई थी। एंड फिर ये रेमोस को तुरंत ही बोलते कि इनको जल्दी से हराओ, एंड फिर रेमोस जो है ना इसकी बात मान लेता है बिकॉज रेमोस नेक्सो लॉर्ड का ही काम करता है, मतलब नेक्सो लॉर्ड के अंदर ही काम करता है। एंड फिर रेमोस फाइनली हमसे बैटल शुरू कर देता है। तो इस बैटल के अंदर मेरे नेक्सो मॉन रेमोस के नेक्सो मॉन से बहुत ही ज़्यादा ही ओवरपावर्ड थे बिकॉज हमने काफ़ी ट्रेनिंग की थी, एंड इसके खातिर मैं रेमोस के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा था। एंड मैंने कुछ ही टाइम के अंदर रेमोस के लगभग आधी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया था विथिन यूजिंग माई वन पोकेमॉन। तो यहाँ पर उसका मटेरियल टाइप नेक्सो मॉन को मैंने बीट किया, एंड फिर उसका लास्ट नेक्सो मॉन यहाँ पर आता जो कि मेगा ड्रैगन नेक्सो मॉन का इवोल्यूशन रूप था, तो मैंने इसको तुरंत ही अपने कुछ अटैकों के साथ यहाँ से इजीली बीट कर डाला। एंड आफ्टर डेट इसको बीट करने के बाद रेमोस बोलता है मैं हार चुका हूँ, ठीक है मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बट नैडीन बोलती है तुम नौटंकी मत करो, तुम इसको बीट कर सकते थे लेकिन तुमने इस मैच को इसके लिए बहुत इजी कर दिया ताकि तुम खुद हार जाओ, एंड मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, एंड अब तुम मेरे गुस्से को देखोगे रेमोस। एंड के बोल के रेमोस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, रेमोस हमें बोलता है जल्दी यहाँ से भागो, हम भागने को तैयार नहीं थे। इसलिए रेमोस तुरंत ही क्या करता है हमारे इस रोबोट को लात मार के नीचे गिरा देता है, एंड बोलता है तुम तो इसकी तरह उड़ नहीं सकते है ना, तो जल्दी निकलो, एंड मैं तुरंत ही निकल जाता हूँ। एंड मेरे जाने के बाद ही द चैम्पियन ऑफ विंड नैडीन रेमोस को एक गद्दार की तरह मान चुकी थी बिकॉज रेमोस ने इसके ऑर्डर के खिलाफ जाके हम लोगों का साथ दिया था, एंड अब इन दोनों के बीच एक बैटल शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ से आने के बाद हम लोग तुरंत बेहोश हो गए थे, बट यहाँ पर हमें कोई उठा रहा था जो कि था अपना दोस्त नेक्सो गार्ड एजेंट ब्राइज। नेक्सो गार्ड एक पुलिस की तरह होती है, तो हमने इसको तुरंत ही सब कुछ बताया, एंड उसके बाद ये तुरंत ही आगे देखने निकल पड़ा। एंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ तबाही, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, एंड अब हमें रेमोस की चिंता हो रही थी। बट इस नेक्सो गार्ड ब्राइज ने बताया कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेमोस सबसे स्ट्रांगेस्ट टीमर है एंड वो नेक्सो लॉर्ड तक को टक्कर दे सकता है। एक्चुअली रेमोस ने हम पे काफ़ी नरमी बरती थी, इसके लिए हम उसे जीत पाए, बट जो भी अभी रेमोस वहाँ पर सेव होगा जहाँ पर भी वो है, एंड पता नहीं वो कहाँ पर है, बट वो सेव होगा। एंड बाय द वे अभी हम लोग को नेक्स्ट ओवरसियर ईरा से बात करनी पड़ेगी ताकि हम लोग को आगे पता चले कि नेक्सो लॉर्ड का प्लान क्या है जो कि नेक्स्ट वेल्केनो की साइड पर रहती है, तो हम उससे मिलने तुरंत ही निकल पड़े। तो उसी रास्ते में हमें हमारी दोस्त इली मिल गई, एंड इससे पता नहीं ये चोर कोई चीज़ें चुरा रहा था, तो हमने सोचा भाई और एक बैटल करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो हम लोग रेडी हो गए। बट उससे भी चोर भाग ही रहा था कि अचानक से किसी की साउंड आती है, एंड पता नहीं फिर यहाँ से पावर रेंजर का रेड रेंजर यहाँ पर क्या कर रहा है, एंड ये पर अकेला नहीं बिल्कुल अपने फोर्स के साथ आया था। एंड इन लोगों ने कहा कि इस लड़की को उसका सामान वापस कर दो, बट जब ये चोर माना नहीं तो अपना रेड रेंजर गुस्से में आ गया, इसको भाई आसमान में ले गया, एंड इतना कम नहीं था कि ये आसमान में ये सारे निकल पड़े एक एक करके, एंड फिर आसमान में पता नहीं कुछ लाइटें चमकी, शायद से दावा उड़ा देंगे ये लोग। बट फिर ये चोर नीचे आता है जख्मी होके, भाई फाड़ दिया था इन लोगों ने इसका, एंड फिर ये लोग इससे उसका सामान वापस लेते हैं जो चीज़ चुराई थी इसने। एंड उसके बाद ये लोग हमें पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें किसी बुरे इंसान का नाम पता है, तो हम बताते हैं हाँ नेक्सो लॉर्ड, वो काफ़ी ईविल है, एंड बता देते कि वो दिखता भी कैसा है। एंड ये सब बताने के बाद फाइनली ये लोग आई थिंक उसको पकड़ने निकल पड़ते हैं,
या पता नहीं क्या करने, जो भी हो, बट फिर इली हम लोग को वो चीज तुरंत ही दे देती है जो कि वो हमारे लिए खरीद के लाई थी, जो कि था एक गोल्डन नेक्सो ट्रैप, जिसको लेके मैं तुरंत ही निकल पड़ता अपने सफर पे आगे। एंड उसी बीच हम लोग आ जाते हैं वेल कैनियन सिटी के अंदर, तो इसमें पूरा लावा लावा था। एंड फिर हमें सिटी को ऑब्जर्व कर रहे थे कि आगे जाके हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं। एंड आई गेस यही ओवरसियर का यहाँ पर हमें जाना था एंड यही से जाना है, बट इसने बोला कि तुम उससे मिल नहीं सकते टिकट के अलावा, मतलब अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम नहीं जा सकते। एंड मुझे बाहर निकाल ले गया वहाँ से एग्जैक्टली। तो इतना बिजी होने के बाद भी मुझे वहाँ पर जाना था, तो इसके लिए अपन को टिकट चाहिए होगा। एंड टिकट का बंदोबस्त करने के लिए हम यहाँ वहाँ फिर ही रहते कि हमें अपना दोस्त रॉन मिलता है। अब रॉन मुझे बोल रहा था कि इसको कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है एंड हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। एक्चुअली उसका जो एक एम्प्लॉय था वो कोई इंपॉर्टेंट डिलीवरी का सामान लेकर डिलीवरी करने गया था, वो बंदा मिसिंग है, वो बंदा मिल नहीं रहा है पैकेज के साथ एंड वो उसको जल्दी से डिलीवरी करना है, तो इसके लिए हमें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। तो हमने भी सोचा भाई अपना अच्छा फ़ायदा है, हमने रॉन से पूछा क्या तुम हमें एक टिकट दिलवा सकते हो वहाँ का। एंड रॉन बोला कि चल भाई ठीक है हम दिलवा देंगे, बट तुम अपना चीज़ें मतलब तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा। तो फाइनली एक ही रास्ता था वो टिकट हासिल करने का कि हम रॉन के उस बंदे को ढूंढे जो कि मतलब कहीं पर मिसिंग है, तो अगर मैंने उसको ढूंढ लिया तो रॉन मेरे को एक टिकट दे देगा। तो इसके लिए मैं तुरंत ही निकल पड़ा, बट उससे पहले मुझे एक नेक्सोमॉन को कैच करना था जो कि एक मेगा रेयर नेक्सोमॉन था। इसके लिए लिटरली मैं एक घंटे तक वापस से नेक्सोमॉन को ढूंढता रहा। एंड फाइनली वो नेक्सोमॉन मेरे को मिल गया जो कि एक विंड हॉर्स था जो कि मेगा रेयर है। एंड लिटरली मेगा रेयर नेक्सोमॉन को ढूंढने में तुम्हें लिटरली 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, बट फिर भी मैं हार नहीं माना एंड मैंने इस नेक्सोमॉन को कैच किया। और आगे मैं उस मिसिंग डिलीवरी बॉय को ढूंढने निकल रहा था, बट अचानक से मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखती है। एक लौंडा भाग रहा था एंड उसके पीछे 5 मिनियंस भाग रहे थे। एक्चुअली में एक बंदे के पीछे 5 मिनियंस, सच में कुछ गड़बड़ था। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि शायद से यहीं पर कुछ लफड़ा हुआ होगा, तो मैं तुरंत ही देखने निकल पड़ा। एंड मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है मिनियंस कुछ एक लौंडे के पीछे पड़े हुए हैं एंड पता नहीं वो शायद से मुझे डिलीवरी बॉय लग रहा है बिकॉज उसके हाथों में देखो एक सूटकेस है। तो अब डिलीवरी बॉय को बचाने के लिए मैं इन मिनियंस के ऊपर कूद गया एंड एक्चुअली इनके नेक्सोमॉन्स को मैंने बहुत ही इजीली बीट करा। एंड उसके बाद 3 लोग को डर लग जाता है मेरे से कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ एंड ये लोग तुरंत ही निकल पड़ते हैं अपने रास्ते। एंड उसके बाद मैं इस बंदे से बात कर ही रहा था कि ये बोलता है तुम दूर रहो, तुम भी शायद इसे चुराने आए हो, एंड ये सोच के तुरंत ही निकल पड़ता है। एंड फिर मैं इसे तुरंत ही ढूंढता हूँ एंड मैं इसे बोलने वाला होता कि भाई मैं तेरे बॉस के पास से आया हूँ, बट ये अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है एंड ये फिर तुरंत ही हमसे बैटल शुरू कर देता है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है, तो कोई बात नहीं मैं इसे तुरंत ही बीट करता उसके नेक्सोमॉन्स को। एंड आफ्टर डैट ये लॉन्डे को हम बताते कि नहीं भाई रुक जाओ, हम रॉन के साइड से, हम तेरे बॉस के उधर से आए हैं। एंड अब मैं इसकी इस आइटम को डिलीवर करने में मदद कर ही रहा था कि अचानक से बोलते हैं नहीं मुझे इसको डिलीवर नहीं करना बिकॉज ये नेक्सो लॉर्ड के उधर पर जाने वाला है। एंड ये एक ऐसा आइटम है जिसका नाम है नेक्सोमॉन कोड, जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सोच रहा था कि ये तुरंत इसको डिस्ट्रॉय कर दे लावा में फेंक के, बट लावा में अगर ये फेंक दे अपन तो ये तुरंत ही भाई पूरी सिटी को तबाह कर देगा। तो इतने पावरफुल चीज़ों को भाई हमने सोचा कि हम अपने साथ ही रखते हैं बिकॉज दूसरे के साथ ही रहेगा तो भाई नेक्सो लॉर्ड के बंदे उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसे चुरा लेंगे। बट जो भी हो उसके बाद ये अपने बॉस को रिपोर्ट करने निकल पड़ता है। एंड हम भी तुरंत ही रॉन के पास आते हैं एंड रॉन को बताते हैं क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद रॉन फाइनली हमें कॉन्टेस्ट का टिकट देता है जिसको लेके हम तुरंत ही ओवरसीयर ईरा के कॉन्सर्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ फ्लेम उठ रही थी, हमें पता नहीं था हो क्या रहा है यहाँ पर, बट कुछ फ्लेम उठने के बाद फाइनल फ्लेम से ओवरसीयर ईरा एंड उसकी बैंड पार्टी निकलती है जो कि यहाँ पर पता नहीं गाने वाने कुछ बजा रही थी एंड ऑडियंस तो भाई उछल ही रही थी यार, बहुत ही मस्त गाना। बट हमारे पीठ पीछे अब बहुत ही खतरनाक चीज़ हो रही थी। यहाँ पर बहुत ही दूर नेक्सो लॉर्ड एंड उसके 4 चैंपियंस ये खबर अभी जानने वाले थे कि हमने वो कोर चुरा लिया है। एक्चुअली साइंटिस्ट आता है एंड ये तुरंत ही नेक्सो लॉर्ड को बताते हैं कुछ बुरा हुआ है एंड हमारा जो कोर है वो चोरी हो चुका है। एंड ऑफकोर्सली नेक्सो लॉर्ड को पता था कि ये किसने चुराया है, ये वही बच्चा था जिसने नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाई है एंड जो कि नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ काम कर रहा था, ऑफकोर्सली वही लड़का जो कि मैं हूँ। एंड अभी लौंडा बोल रहा था नहीं हमको वापस से वो कोर चाहिए एंड उसके लिए अभी नैडीन हमारे पीछे आने वाली थी एंड ये निकल पड़ी एंड सारे उसके बाद एक के बाद एक इसके पीछे निकल पड़े। तो अब हमारे सर पे बहुत ही बड़ा खतरा था, बट उसी बीच हम लोग आते ईरा के पास एंड तुरंत ही से बोलते हैं कि प्लीज़ यार वो ब्रॉडकास्ट दिखा दे जो कि नेक्सो लॉर्ड ने तुम लोगों को दिया था। तो ये मान जाती है बट
ये बोलती कि तुम्हें पहले उसके लिए मुझे हटाना होगा एंड अपनी वर्दीनेस साबित करनी होगी कि तुम इसके लायक हो कि नहीं एंड जल्दी से अंदर आओ एंड इससे बैटल करो। तो हम भी तुरंत ही आ जाते हैं इसे बैटल करने एंड इसके खतरनाक फ्लेम के बीच हमारी बैटल शुरू होती है। एंड इस बैटल के अंदर मैं ईरा के नेक्सो मॉन्स को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से कुचल डालता हूँ एंड आफ्टर डेट ईरा फाइनली मान जाती है एंड फिर ये भी बताती है कि नेक्सो लॉर्ड ने इसे कुछ साइंटिस्ट को कैप्चर करने को कहा था एंड ये थे ये सबसे पहला पता नहीं डॉक्टर ओवर्स वर्ल्ड जो भी एंड फिर डॉक्टर मार्गो एंड आफ्टर इट यहाँ पर है डॉक्टर हर्बर्ट एंड फिर आती है डॉक्टर इली। एक्चुअली हमारी दोस्त इली को भी किडनैप करने को कहा है नेक्सो लॉर्ड ने एंड ये बहुत ही बड़ी भाई प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे लिए एंड हमें अभी इली को बचाना होगा जल्दी से। एंड फिर हम लोग तुरंत ही इली को भाई कॉल लगाने की कोशिश करते हैं कि इली कहाँ पर है बट हमारा भाई कोई कनेक्शन उससे लग ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आके बोलती है कि इली एक बच्ची है शायद से उसे नेक्सो लॉर्ड ने कैप्चर कर लिया होगा ऑलरेडी, तुम्हें डॉक्टर मार्गो के पीछे जाना चाहिए बिकॉज अगर तुम उसके पीछे जाते हो तो शायद से तुम इली को ढूंढ सकते हो एक्चुअली में। तो अब बस इली को ढूंढने के लिए हमें डॉक्टर मार्गो के पीछे जाना है क्योंकि डॉक्टर मार्गो को जब मतलब पकड़ने आएंगे ना नेक्सो लॉर्ड के वो तभी हम इली को ढूंढ लेंगे उधर से जाके। तो अभी डॉक्टर मार्गो को ढूंढने के लिए हमें एक हिडन विलेज में जाना पड़ेगा बिकॉज वो हिडन कुछ फॉरेस्ट में छुपी हुई है तो हम उसको ढूंढने के लिए अब निकलने वाली थी। तो इससे पहले मैंने इसके घर को लूटा एंड फिर फाइनली मैं निकल पड़ा डॉक्टर मार्गो को ढूंढने हिडन फॉरेस्ट के अंदर। तो बहुत से वेलकेनो माउंटेन को घूमने के बाद फाइनली मैं मिल गया था एक ग्रीन ग्रास एरिया जहाँ पर आई गेस वो हिडन फॉरेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर आए थे ढूंढने बट उसी बीच हमें एक नॉर्मल फॉरेस्ट मिलता है एंड यहाँ पर मुझे पकड़ना था एक मेगाडन नेक्सो मॉन को। तो मैं उसको ढूंढने लग गया बट उसके बीच मुझे वो मिल नहीं रहा था। लिटरली मैं 37 मिनट तक था वहाँ पर बट मुझे मिला नहीं। बट उसी बीच अचानक से मेरा फर्स्ट नेक्सो मॉन जो मैंने स्टार्टर लिया था वो अपने फाइनल फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। एक्चुअली मैंने बोला था ना इसका इवोल्यूशन लाइन बहुत कूल है देखो भाई। एंड फिर उसी बीच अपना जो चिड़िया होते हैं मेगाडन नेक्सो मॉन ये भी फाइनली तरीके से इवॉल्व हो जाता है अपने सेकेंड स्टेज के अंदर। एंड ये सब कम नहीं था कि फिर फाइनली मेरा ये नेक्सो मॉन भी इवॉल्व हो जाता है, लिटरली ये भी इवॉल्व हो जाता है अपने नेक्स्ट फॉर्म मतलब अपने बड़े कुत्ते के ऊपर। हाँ ठीक है। एंड उसके बाद मुझे फाइनली वो वाला नेक्सो मॉन मिल जाता है जो कि एक्चुअली मेरे को चाहिए था मेगाडन नेक्सो मॉन जो कि सबसे बेस्ट है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फिर आफ्टर दैट मैं तुरंत ही कोई गड़बड़ ना करते हुए अपने नॉर्मल नेक्सो ट्रैप को फेंक के इस नेक्सो मॉन को भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो अब हम जंगल होके आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें एक विलेज मिल जाती है एंड हम सोचते हैं कि ये वही सीक्रेट विलेज है। तो इसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत थी तो हमें इस पूरे विलेज पे ढूंढना बहुत ज़्यादा कुछ बट एक्चुअली इस विलेज में हमें ज़्यादा कुछ मिला नहीं। तो हमें पता चल गया था इस विलेज का ज़्यादा कुछ काम है नहीं तो इसके लिए हम तुरंत इस विलेज से आगे निकल गए एंड आगे हमें एक रोती हुई लड़की मिली जो कि बोल रही थी कि ये सब मेरी गलती है, मैं वो चीज़ ढूंढने वाली थी एंड मैं वहाँ से भाग के आ गई एंड सारी मेरी गलती है। एंड फिर हम इसको बुलाते हैं एंड ये सोच रहे कि ये पागल हो चुकी है, इसके आवाज़ सुनाई दे रहे हैं एंड फिर बोलते चल पीछे मुड़ के तो देख ले एंड आफ्टर डेट फाइनली ये मुड़ के दूसरी साइड देखती है। भाई क्या ही डंब है। तो ये फिर हमारी तरफ मुड़ती है एंड हम उससे पूछते कि तुम हो कौन। तो ये बताती है एक एक्सप्लोरर है एंड ये एक सीक्रेट विलेज के बहुत ज़्यादा क्लोज थी बट वहाँ से वो डर के मारे आ गई बिकॉज एक डार्क केव आ चुका था उस विलेज के रास्ते पे एंड वो बहुत ज़्यादा डर गई थी एंड वो यहाँ पर आके रोने लगी वापस से आके। सो फिर हमने बोला कि शायद से वही केव हो सकता है जहाँ पर मिस मार्गो छुपी हुई हो डॉक्टर मार्गो। तो हमने सोचा हम वहाँ पर जाएंगे इसके साथ एंड हमने कहा चलो भाई हम तेरे साथ जाएंगे। एंड ये सुनते ही फाइनली ये लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई एंड ये हमारे साथ जाने को राजी हो गई। तो बाय द वे क्या था फिर इस विलेज में सीक्रेट रास्ता था हिडन विलेज में जाने का। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े एंड अंदर भाई एक बहुत ही बड़ा केव था एंड इसके बाहर सुरक्षा कवर मतलब कुछ सुरक्षा गार्ड थे उस हिडन विलेज के। तो ये लोग हमें बता रहे थे कि आउटसाइडर्स का अंदर जाना मना है बट अपन को तो जाना ही था अंदर। तो हमने इनसे बैटल ले ली एंड यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे बट मैंने सबको बीट करा एक एक करके एंड सबको बीट करने के बाद फाइनली मेरा विंड हॉर्स अपने सेकेंड स्टेज के अंदर यहाँ से फाइनली तरीके से इवॉल्व हो गया था। एंड आफ्टर इट इसके इवॉल्व होने के बाद तुरंत हम लोग थोड़ा और सफ़र किए एंड उसी बीच हमें और एक मेगा रेयर नेक्सो मॉन मिल गया था। तो इसका कोई टीम में काम नहीं है बट एक्चुअली में ये मेरे पीसी में पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है तो मैंने इसे कैच करके पीसी में रख दिया। तो आगे फाइनली हम लोग को एक हिडन विलेज मिल चुका था एंड इस विलेज के अंदर लोग बहुत ज़्यादा नाच रहे थे एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई बट हाँ नाच रहे थे। एंड फिर हमने इस सिटी के सीक्रेट ट्री को ढूंढा जिसके अंदर इस सिटी के ओवरसीयर खान खड़े हुए थे जो कि नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ थे। एंड बाय द वे इन्होंने यहाँ पर हमें देख के चिल्लाया एंड बोला तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये जगह पूरा सीक्रेट। एंड फिर हमने बोला कि डॉक्टर मार्गो को
हम ढूंढने आए तो इसने कहा मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता हूँ। बट उसी बीच इसके विलेजर्स को चाहे एंड इन्होंने कहा कि सिटी पे अटैक हो चुका है। नेक्सो लॉर्ड के गार्ड आए एंड एक्चुअली ये हमारा कोर जो था ना नेक्सो वन का कोर उसका पीछा करते हुए आए थे बिकॉज उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि उसको कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। तो फिर मैं इस बंदे के पास आ गया इसको सबक सिखाने एंड ये बंदा मेरे को देख के बोलता है चल बैटल करते हैं एंड तुरंत ही मैं इसे बैटल शुरू करता हूँ। इसके खतरनाक बेकार नेक्सो मॉन्स को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर फिनिश मैं कर देता हूँ एंड इसको फिनिश करने के बाद ये तुरंत ही यहाँ से निकलता है। एंड अब हम ओवरसियर खान के पास आते हैं। अब इनको हम पे विश्वास हो चुका था तो इन्होंने कहा कि जो डॉक्टर मार्गो है वो इस ट्री के पीछे है बट वो अब इतना सेव नहीं है एंड इस ट्री का नाम था वेंत्रा ट्री, ठीक है इसके पीछे सेव है बट अब वो इतना सेव बिकॉज नहीं है बिकॉज नेक्स्ट लॉर्ड को पता चल चुका है कि ये यहाँ पर है एंड वो अभी यहाँ पर वो आ जाएगा। यानी हिडन विलेज सबसे छुपाया हुआ था बट हमने इसको रिवील कर दिया फिलहाल, मतलब हमारे कांड की वजह से सब कुछ हो चुका है। तो फिलहाल इसने कहा था अंदर मत जाओ बट हम लोग निकल पड़ते हैं अंदर, हम लोग भाई ऐसे ही है। तो बाय द वे ये ट्री के अंदर भाई कितना खतरनाक जगह था तो हम लोग ट्री के अंदर निकल पड़े एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद हमने हमारे एक्सप्लोरर दोस्त डीना से पूछा कि डीना ये वेंत्रा कौन है। तब डीना ने बताया वेंत्रा एक माइथिकल नेक्सोमॉन है, एक्चुअली किंग ऑफ नेक्सोमॉन ओमनिक्रॉन का 7 चिल्ड्रंस थे, वेंत्रा ऑफ द विंड, फोना ऑफ द फायर, गुंडा ऑफ द अर्थ एंड बाकी सारे। और फिर ओमनिक्रॉन ने उनके चिल्ड्रंस को ऑर्डर दिया कि इंसानों को खत्म कर दो एंड फिर उसके 7 चिल्ड्रंस मिलकर इंसानों के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक वार छेड़ दी। बट उसी बीच एक लेजेंडरी नेक्सोमॉन मास्टर आया, मास्टर उल्जार, जिसने इन सबको डिफीट किया एंड ये वही ट्री है जिसमें मास्टर उल्जार ने वेंत्रा को हराया था, इसलिए इस ट्री को ट्री ऑफ वेंत्रा बुलाया जाता है। तो इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद फाइनली मैं इस ट्री के सबसे टॉप में जाता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो नडेन ऑलरेडी आ चुकी है एंड इसने डॉक्टर मार्गो को ऑलरेडी उठा लिया है। तो अब ये हमसे बदला लेने वाली थी एंड अब ये ओवरसियर खान को बोल रही थी कि हमें मार दे बट ओवरसियर खान बोल रहा था कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम खान को धोखा नहीं दे सकते। एंड फिर खान भाई साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तुम एक ह्यूमन नहीं हो। एंड फिर फाइनली नडेन अपना असली रूप दिखाने को मान जाती है एंड अब वो अपना वो रूप दिखाने वाली थी जिसको इसने हजारों सालों से बंद करके रखा था। हाँ वही रूप जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड ये था वेंत्रा। हाँ वही लेजेंडरी नेक्सोमॉन जिसको मास्टर उल्जार ने हरा दिया था बट वो पता नहीं वो कैसे वापस जिंदा हो गया एंड ये अब हमारे सामने खड़ा था एंड हमें पता नहीं है कैसे उल्जार चेन से रिवाइव हो गया। पर जो भी हो ये था ओमनिक्रॉन का सेकेंड चाइल्ड वेंत्रा ऑफ द टेम्पेस्ट। तो ये हमारे सामने था एंड अब कोई चांस नहीं था कि हम यहाँ से बच के जाए। अवसर खान ने हमें कहा था कि हम बच के यहाँ से भाग जाए बट हम इनको अकेला छोड़ के यहाँ पर जा नहीं सकते थे तो हमने इससे बैटल ले ली तुरंत ही। एंड एक्चुअली इस बैटल के अंदर मेरे नेक्सो मॉन्स काफ़ी ज़्यादा वीकर लग रहे थे बिकॉज इसकी एचपी थी 999 भाई 999 इतना ही थे इसका। तो हमने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड इसको बर्न भी लगा दिया था एंड ऐसी खातिर मैंने इसको एक ही नेक्सोमॉन के साथ बहुत लो कर दिया था एंड फिर फाइनली मैंने इसको डिफीट कर दिया। बट एक्चुअल स्टोरी लाइन के अंदर ये हमसे जीत जाता है एंड हम लोग हार जाते हैं, इसी खातिर हम लोग बेहोश हो जाते हैं एंड आफ्टर डेट खान जल्दी से अपने मैजिक स्पेल से हमें तुरंत ही वहाँ से बचा के भगा ले जाते कहीं और जगह। तब ओवरसियर खान हमें दूसरे जगह पे लेके आया गया था बट हमारा कैरेक्टर तो बेहोश ही गया पर यानी कुछ बोलने से भी नहीं उठ रहा था एंड फिर हमारे रोबोट के पास एक आइडिया था, इसने तुरंत कहा नेक्स्ट अलर्ट यहाँ पर है एंड ये कहते ही हमारा कैरेक्टर तुरंत उठ गया। मतलब देख रहे हो दोगला है भाई, उस नेक्स्ट अलर्ट का नाम सुनते डर के मारे उठ गया। एंड बाय द वे फिर ओवरसियर खान ने कहा कि आप नडे नहीं आ सकते, उन्होंने एक मैजिक स्पेल छिड़क दिया है। एंड बाय द वे फिर इन्होंने कहा कि तुम्हें अब इहा के ओवरसियर से बात करनी पड़ेगी एंड वो तुम्हें मास्टर उल्जार के स्पिरिट से बात कर पाएगी। मास्टर उल्जार वही है जिन्होंने सबको डिफीट किया था माइथिकल नेक्सोमॉन्स को एंड अभी हमें उनसे बात करनी पड़ेगी यहाँ के ओवरसियर से क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है। एंड फिर हमें ओवरसियर खान को गिफ्ट देना चाहते थे एंड वो गिफ्ट एक्चुअली ये था, तुम देखो जरा, एक मैजिक स्पेल जो कि इनको थोड़ा बहुत आती थी वो उन्होंने बताया कि मैं इस मूर्ति के तहत कैसे मैं इससे ट्रैवल कर सकता हूँ। असल में ये मूर्ति ऐसी चीज़ थी कि ये मास्टर उल्जार ने पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए हर जगह पे ये मूर्ति लगाई है एंड इसको कैसे यूज़ करना है वो सब लोगों को नहीं पता बट अभी सिखा दिया इस टोटम को कैसे हमें यूज़ करना है खान ने। तो फिलहाल हम इतनी जगह जा सकते हैं, देखो इतना सारा जगह है जिसके हमें एक्सप्लोर करना भी बाकी है। तो अपने नई शक्तियों के साथ हम निकल पड़ते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए। बट उसी बीच हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ के ओवरसियर हिल्डा ने इन सबको तो भाई घोस्ट बना दिया है। देखो सिटी के सारे लोग भूतिया बन चुके हैं बिल्कुल, मतलब यहाँ के ओवरसियर ने सब लोगों को घोष बना दिया नेक्सो लॉर्ड का नाम लेके, वो भी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है एंड हमको पता नहीं क्या करना है बट हमें अभी ओवरसियर से मिलने जाना है तो हो सकता है वो हमें भी भूत बना दे।
बट जो भी हो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं ओवरसियर के घर के लिए। एंड इस गेट से हमें जाना था उसके घर, बट उसी बीच हमें एक क्रीपी सा अंकल यहाँ से देखने को मिलता है। अब हम इनसे पूछते हैं, दादाजी कुछ तो बता दो यार यहाँ पर जाना कैसे, बट ये कुछ बताता ही नहीं है। एंड फिर जो भी हो हम इसे इग्नोर मार के जा रहे होते हैं ऊपर, कि ये बंदा बोलता है कि वो चुड़ैल तुमको देख के हंसेगी ही करके, एंड ये फिर निकल जाता है। एंड हम सोचते हैं चल भाई डरा दिया भाई, अब तो इससे बात करके जाएंगे। तो हमें बस अब इसका पीछा करना था, तो हम तुरंत इस लौंडे का पीछा करते हैं एंड इससे हम बात करते हैं। तो ये लौंडा हमें बताता है कि ओवरसीयर हिल्डा ने सब यहाँ के टाउन के लोगों को कोच बना दिया है, एंड ये इसलिए इंसान है बिकॉज ये हमारी तरह सफर पे बाहर था। एंड फिर ये सिटी पे आके देखता है कि कुछ ऐसा सीन हो चुका है। एंड फिर हम देखते हैं पीछे की साइड हम डीना कहाँ पर है, एंड हमें पता चलता है कि हमारी दोस्त डीना को भाई कैप्चर कर लिया है उस हिल्डा ने, मतलब ओवरसीयर हिल्डा ने उसको किडनैप कर लिया है। एंड हम अभी उसको बचाने जाना है, तो हमें उसके घर जैसे तैसे जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर हमने इस अंकल से मदद मांगी, इसने कहा हाँ ये मदद कर सकता है बट इसके लिए हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। इसके घर पे एक घोष नेक्सोमोन है जो कि पता नहीं रोज रात को उसको डराता है आके, तो हमें जाके उस नेक्सोमोन को पीट पाट के भगाना पड़ेगा वहाँ से, फिर ये हमारी मदद करेगा। तो मैं इसके घर पर आ जाता हूँ। एंड फिर इसके घर पर आने के बाद वो नेक्सोमोन यहाँ पर घूम रहा था, तो हमने बोला ए भाई साहब ज़रा करीब आओ, एंड फिर इसको हम पीट पाट देते हैं एंड ये बेचारा पीटने के बाद रोड होके ख़त्म हो जाता है। एंड फिर हम कुछ हो ही रहे थे कि हमारे पीछे से एक घोस्ट आता है एंड ये थी ऑब्जर्वर हिल्डा। एक्चुअली ये हमारे पीछे इसलिए आई थी बिकॉज इसने बोला था तुमने मेरे लिटिल पेट को मार दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को कैप्चर किया था, तुम लोग हम मेरे पास आओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे छोड़ दूंगी। भाई जो भी बहुत खतरनाक सीन था। एंड फिर हम लोग इस बुड्ढे के साथ निकल पड़ते ओवरसीयर हिल्डा के घर पर। एंड एक्चुअली हिल्डा ने मैजिक स्पेल से यहाँ पर कुछ बुलबुलिया टाइप के बना रखा था, बट हम इसे पार करते हैं। एंड फिर ये बुड्ढा बोलता है आगे तुम्हारा रास्ता तुम खुद जानो, मैं तो निकल रहा बाय बाय। एंड अभी हमें खुद आगे जाना था, तो अपन लोग गेट तो खोल नहीं सकते बेचारे बच्चे, तो हम लोग इधर से अंदर घुसते हैं घर के अंदर। एंड घर के अंदर कोई था ही नहीं एक्चुअली में, उसने हमें पोपट कर दिया था। बट फिर हम थोड़ा घर के अंदर ढूंढते हैं कोई सबूत, तो यहाँ पर हमें एक वो मिलती है लीवर मिलता है, हम इसको खींचते हैं। फिर यहाँ पर खुलता है सीक्रेट डोर, या कोई भूतिया फिल्म जैसे लग रहा है। बट जब इस सीक्रेट डोर के अंदर जब हम जाते हैं अंदर, तब हमें दिखता है हिल्डा, जो कि यहाँ पर पता नहीं कुछ मैजिक स्पेल पड़ रही थी। हमारी दोस्त डीना साइड में रो रही थी, तो हमने इसको बोला कि इसको छोड़ दो, बट इसने बोला कि ये हम सब लोगों को यहाँ पर कोच बना देगी। हमने बोला था कि हमें उल्जार के घोष से बात करनी है, बट इसने कहा कि हम सबको कोच बना देगी। तो ये सुन के हमें गुस्सा आता है, हम इससे शुरू करते एक नेक्सोमोन बैटल। तो मैं पलक झपकते इसके सारे नेक्सोमोन को बीट कर देता हूँ इतने सेकेंड्स। तो आफ्टर डेट हमें पता चलता है कि ये बुला रही है ओवरसीयर खान को। एक्चुअली ये लोग हमारा एग्जाम ले रहे थे कि हम नेक्सो लॉर्ड को हराने के वर्दी है कि नहीं, एंड उल्जार के सीक्रेट को जानने के वर्दी है कि नहीं। एंड फिर हमें सोचते कि तुमने तो पूरे सिटी को घोष बना दिया है। एंड फिर ये हमें बताते कि इसने इसलिए सारे लोग को घोष बना दिया है ताकि नेक्सो लॉर्ड जो बुरा प्लान कर रहा है ह्यूमंस को चोट पहुंचाने की, वो ऐसा कुछ ना कर सके बिकॉज घोष के साथ तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इसने पूरे सबको घोष बना दिया है। ठीक है बाय द वे, जो भी हो अब हमने साबित कर दिया था कि हम मास्टर उल्जार की सीक्रेट को जानने के लिए काबिल हैं, एंड साथ ही साथ नेक्सो लॉर्ड को हराने के भी काबिल हैं। तो इसके लिए बस अब हमें मास्टर उल्जार के स्पिरिट को समन करना होगा, एंड इसके लिए इनको एक कुछ समनिंग डांस करना होगा जिसको खान एंड इस लड़की को मिलकर करना होगा। तो खान ने तो शुरू कर दिया था, एंड फिर इस खान इस लड़की को बुलाता है जल्दी आओ, एंड ये तुरंत ही आ जाती है। एंड ये तो कुछ अजीब सा डांस शुरू करते हैं, एंड फिर अपनी ये हिल्डा कुछ स्पेल पढ़ना शुरू करती है मैजिकल। एंड इसी के साथ साथ हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे ही वर्ल्ड के अंदर, एंड इस वर्ल्ड के अंदर थे मास्टर उल्जार, जिन्होंने अकेले ही सारे लेजेंडरी नेक्सोमोनों को बीट किया था, एंड साथ ही साथ किंग ऑफ द नेक्सोमोन मॉन्स्टर ओमनिक्रॉन को भी अकेले बीट किया था अपने खुद के दम पर। एंड बाय द वे इन्होंने कहा था कि वेंट्रोस के सिविलिंग्स अब डार्केस्ट जे को लाने वाले बहुत जल्दी। एंड फिर ये हमें अपनी स्टोरी बताने लगे, इनकी स्टोरी। ये कहानी है हजारों साल पहले की, जहाँ पर इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एंड ह्यूमन रहते थे, पर एक दिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर का जन्म हुआ जो था ओमनिक्रॉन, जिसने पूरे ह्यूमनिटी को ख़त्म करने की ठान ली थी। एंड तभी से ही इंसानों की प्रॉब्लम की शुरू हो गई। उस ओमनिक्रॉन ने अपने 7 चिल्ड्रंस को समन किया एंड इंसानों के खिलाफ एक कभी ना ख़त्म होने वाली जंग का ऐलान कर दिया, और फिर उन 7 चिल्ड्रंस ने अपनी एक बहुत ही बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी बनाई, जिनको हम आज नेक्सोमोन बुलाते हैं। पर बहुत सालों बाद ह्यूमंस ने ये चीज़ सीख ली थी कि नेक्सोमोन को कैसे दोस्त बनाते हैं और उनको ओमनिक्रॉन के खिलाफ यूज़ करते हैं।
मास्टर उल्जार उसी समय में जन्म हुए थे जब ज़्यादातर नेक्सोमॉन को ऑलरेडी टेम कर लिया गया था। वो नेक्सोमॉन के साथ खेले बड़े एंड उनके साथ एक एडवेंचर पे जाए जहाँ पर उन्होंने सारे के सारे नेक्सोमॉन्स को डिफीट कर दिया एंड फिर उन्होंने ओमनिक्रॉन के साथ एक लेजेंडरी बैटल लड़ी जिसमें वो जीत गए। बट उन्हें ओमनिक्रॉन का डार्क सीक्रेट के बारे में पता चला जो कि ओमनिक्रॉन का डार्क प्लान था। हर नेक्सोमॉन ही ईविल है। एंड ये सुन के हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि हमारे साथ जो नेक्सोमॉन घूम रहे हैं क्या वो ईविल है। एंड फिर मास्टर उल्जार ने हमें समझाया कि जो नेक्सोमॉन है वो अपने साथ ओमनिक्रॉन का डार्कनेस को कैरी कर रहे हैं बिकॉज जो से भी तरह से वो ओमनिक्रॉन के चिल्ड्रंस हैं एंड इसलिए उनके अंदर ओमनिक्रॉन का डार्कनेस है। एंड जब ओमनिक्रॉन पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगा वो वापस से सारे नेक्सोमॉन के अंदर के डार्कनेस को जगा देगा एंड सारे नेक्सोमॉन हिम्मत के खिलाफ हो जाएंगे। एंड अब मेन बात ये आती है कि ओमनिक्रॉन को जगाने कौन वाला है बिकॉज ऑलरेडी तो मास्टर उल्जार ने उसे डिफीट कर दिया था। तो एक्चुअली ओमनिक्रॉन को जगा रहा है नेक्सो लॉर्ड या वही नेक्सो लॉर्ड जो कि सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गर टीमर है इस वर्ल्ड का। एंड उसने ऑलरेडी ओमनिक्रॉन के चार चिल्ड्रंस को रिवाइव कर दिया है जिसमें से हमने एक को देखा था वेंचर ऑफ द टेम्पेस्ट। एंड बाय द वे वो जो नेक्सो लॉर्ड के चार चैंपियंस है ना वही सारे हैं नेक्सो लॉर्ड के मतलब ओमनिक्रॉन के चिल्ड्रंस एंड उसने चार को रिवाइव कर दिया है। तो वो नेक्स्ट जा रहा है डेजर्ट में एंड डेजर्ट में ग्रैंड मास्टर उल्जार ने ओमनिक्रॉन के फर्स्ट चाइल्ड गुंड ऑफ द अर्थ को हराया था। तो एक्चुअली आई गेस नेक्स्ट लॉर्ड अभी उसको रिवाइव करने जा रहा है तो हमें जाके उसे जल्दी से रोकना है। एंड फिर मास्टर उल्जार ने कहा मैं तुम पे विश्वास करता हूँ यंग हीरो तुम ही हो जो मेरे लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हो एंड इस दुनिया को बचा सकते हो। एंड हमेशा याद रखना हर एक नेक्सोमॉन ईविल है। एंड इसके बाद तुरंत हम अपने ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं एंड सब लोग को बता दी कि हमें नेक्सो लॉर्ड को डिफीट करना पड़ेगा डेजर्ट में जाके उससे पहले कि वो ओमनिक्रॉन को रिवाइव कर दे। एंड बाय द वे डेजर्ट में गुंड्रा भी मरा हुआ था तो आई गेस वो पहले गुंड्रा को रिवाइव करेगा। एंड बाय द वे उससे पहले ना इली को हमें ढूंढना पड़ेगा बिकॉज इली को इसने लोकेट कर लिया हिल्डा ने एंड वो भी सी पार करके एक रॉयली सिटी में वो हिडन मतलब छुपके बैठी हुई है नेक्सो लॉर्ड से। एक्चुअली वो किडनैप नहीं हुई है वो छुपके बैठी है रॉयली सिटी के अंदर। तो वहां पर हमें जाना होगा एंड वहां पर के लिए हमें एक सी को क्रॉस करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें मदद कर सकता है वही बुड्ढा लौंडा जो कि हमारे यहाँ पर आने में मदद कर रहा था। एंड हिल्डा ने उस बुड्ढे को इसलिए अभी तक गोश्त नहीं बनाया बिकॉज वो हमारी मदद कर सकता है जाने में सी को पार करने में, ठीक है। एंड बाय द वे अभी डीना इनके साथ रहने वाली थी बिकॉज वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा था तो डीना इनके साथ रहेगी फिलहाल। एंड फिर तुरंत इस बुड्ढे के पास आया एंड इससे रिक्वेस्ट कर ली भाई ले चल भाई बीच पे मतलब इधर से पार। एंड फिर फाइनली मान जाता है अपने बोट पे बिठा के हमें ले आता है दूसरे शहर पे एंड इस शहर पे पता नहीं सब लोग नाच क्यों रहे थे जो भी हो। एंड बाय द वे आगे हमें देखने को मिला एक रास्ता ब्लॉक करके बैठे कुछ लोग तो फिर हम थोड़ा और आगे निकल गए। एंड फिर हमें दिखे यहाँ पर कुछ नेक्सो गार्ड। एक्चुअली नेक्सो गार्ड या कि पुलिस की तरह है जो कि इंसानों को एंड नेक्सोमोनों को प्रोटेक्ट करती है। एंड बाय द वे इन्होंने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया था। फिर हम इस जगह पे वापस आते हैं तो यहाँ का डोर खुल चुका होता है तो फिर मैं तुरंत ही अंदर निकल पड़ता हूँ। अंदर हमें मिलता है हमारा दोस्त ब्राइट जो कि एक नेक्सो गार्ड एजेंट है एंड फिर हम इससे पूछते हैं क्या हुआ भाई। एंड ये हमें फाइनली बताता है कि नेक्सो गार्ड्स यहाँ पर आए हैं एक ओवरसियर को कैच करने मतलब उसको पकड़ने जो कि नेक्सो लॉर्ड के साथ मिला हुआ है ताकि उससे वो नेक्सो लॉर्ड का पता पूछ सके। एंड बाय द वे फिर ये दुकानदार हमें बताता है कि उसने एक ब्लू हेयर वाली लड़की पर शक है जो कि आई गेस एक वॉलीबॉल प्लेयर है एंड वो काफ़ी मतलब अजीब लग रही थी तो हम उस लड़की को ढूंढने निकल पड़े। एंड फिर कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली हमें वो लड़की यहाँ से मिल जाती है एंड जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी जो कि अगली बार की चैंपियन भी थी। एंड एब्सोल्युटली तुम्हें इस लड़की को भाई नेक्सो लॉर्ड के साथ भी देखने को मिला होगा। पहले ये नेक्सो लॉर्ड के साइड में खड़ी थी नेक्सो लॉर्ड की एक चैंपियन थी ये, ठीक है। तो मतलब बहुत खतरनाक प्लेयर है। एंड बाय द वे इसने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है एंड ये तीनों जो मेरे सामने खड़े ना लड़के वो इसके फ़ैन है तो इसने कहा कि किसी को अंदर मत आने देना उन्हें अपने ट्रेनिंग में फोकस करना है। एंड ये लट्टू भाई इसके फैंस है तो ये लोग भाई बिल्कुल आगे रास्ता रोक के बैठे हुए थे। मतलब हमने बताया कि यार ये नेक्सो गार्ड है हमें अंदर जाना है उस लड़की के से बात करने एंड उसका भाई रिक्स है लाइफ ऐसा कुछ हमने झूठ कहा इन लोगों से बट फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। एंड भाई भी इन्होंने हमसे बैटल शुरू कर दी तो भाई मैंने इनको हराया जल्दी से। एंड इनको हराने के बाद मेरा एक नेक्सोमॉन जो कि मेरा फेवरेट मेगा रैन नेक्सोमॉन था वो अपने सेकेंड स्टेज के अंदर इवॉल्व हो गया टी रेक्स फॉर्म के अंदर जो कि ऑसम था। एंड फिर ये लोग लड़के बोले हम उसको खुद प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एंड ये गधे अंदर निकल लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लॉन्डे। बाय द वे फिर जो भी हो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी अंदर जाएंगे उस लड़की से बात करेंगे एंड फिर हम तुरंत ही चले गए उस लड़की के पास। एंड इधर पर जाने के बाद ये लॉन्डे वापस हम पे चिल्लाने लगे
इनके वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग में रुकावट आई, इन्होंने कहा था कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, ये सब वे सब। तो फिर हम इस लड़की से बात करते हैं, बोलते कि नेक्सो लॉर्ड तुम्हारे पीछे है। एंड फाइनली ये जानने के बाद एक शॉक हो जाती है, मतलब एक्टिंग कर देती है एक्चुअली में। एंड फिर ये बताती है, मुझे नेक्सो लॉर्ड का सच्चाई पता है, मुझे नेक्सो लॉर्ड का सीक्रेट पता है, मुझे नेक्सो लॉर्ड का वीकनेस पता है। एंड फिर हम तुरंत ही इसे बताते कि प्लीज़ हमें बता दो, मतलब पूछ रहे थे कि उसका सीक्रेट क्या है। बट ये बोलती है किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, बट हाँ अगर हमने प्रूफ कर दिया कि हम इसके वर्ड दिए तो ये हमें बताएगी। एंड इसके लिए हमें एक वॉलीबॉल मैच में से हराना पड़ेगा, लेकिन अगर हम हार जाते इस मैच में तो इसे हमको मतलब हमें इसको नेक्सोमॉन कोर देना होगा। ठीक है, मतलब इतना बड़ा डिक्स भाई, नेक्सोमॉन कोर में पता है पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो ये चीज़ ये मांग रही थी इसके बदले, मतलब समझ लो इसके इरादे बहुत बुरे हैं। ठीक है ऑलरेडी, तो भाई दी जो भी हुआ, हमें नेक्सो लॉर्ड का सीक्रेट जानना था, तो हमने इससे वॉलीबॉल मैच में आ गए। एंड अभी मुझे भाई बहुत अपना दिमाग यूज़ करके इसको हराना था, तो यहाँ पर भाई ग्रीन लाइन जो तुम देख रहे हो वहाँ पर मुझे सही टाइम पे स्टॉप करना है, वरना भाई मैं हार गया समझो। एंड बार बार जितनी बार मैं करूँगा ना भाई बहुत ज़्यादा स्पीड होता जाएगा, बट भाई मैं तो प्रो बंदा था, मैंने हर बार अपना सही निशाना लगाया। एंड इस लड़की को कुछ ही सेकेंड्स के अंदर बहुत से वॉलीबॉल फेंक के मैंने इसको बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला। एंड इसके बाद फाइनली ये सारे लड़के सोच रहे थे कि एक बच्चे से हार गई, शायद से इन लोगों ने चीटिंग किया, इसने चीटिंग की थी लास्ट चैंपियनशिप में, एंड ये बेकार के चैंपियन है, ये बोल के निकल लिए, मतलब खुद ही फैन बन के आए थे, खुद इंसल्ट करके निकल लिए। एंड आफ्टर दैट ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, एंड इसने भी अपने असली अवतार दिखा दिया था। एंड फिर ये बोलती है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ नेक्सो लॉर्ड की चैंपियन। एंड ये मिनियंस को भी बुला लेती है हमें रोकने के लिए। तो भाई अब सीन काफ़ी बुरा हो चुका था, एंड बाय द वे अब हमें इससे बैटल करना पड़ेगा। बाय द वे चैंपियन ऑफ वाटर है, मतलब ये कोई ओमनीक्रॉन की चिल्ड्रन भी हो सकती है, मतलब होए है भाई ओमनीक्रॉन की एक चिल्ड्रन है। तो भाई उसके बाद अचानक से यहाँ पर और एक मतलब किसी का साउंड आता है, एंड ये था भाई जेटा। एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये भी है, एक्चुअली ये भी नेक्सो लॉर्ड का एक चैंपियन है, जो कि एक ओमनीक्रॉन का चाइल्ड है, जो कि ऑलरेडी रिवाइव कर लिया है नेक्सो लॉर्ड ने। एंड जेटा यहाँ पर इसलिए आया था बिकॉज ये मिरीडा को लेने आया था कि तुमने अपने जो काम यहाँ पर किया है इसके वजह से काफ़ी शोर हो चुका है, एंड नेक्सो गार्ड का अटेंशन यहाँ पर आ चुका है, वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर आ रहे होंगे, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। एंड बाय द वे जो नेक्सोमॉन कोर है ना उसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, तो हमें अभी जाना पड़ेगा। एंड ये बोल के ऐसा मिनियंस निकल जाते हैं, एंड ऑफकोर्स ये मिरीडा भी निकल जाती है अपने रास्ते। एंड फिर अपना पुलिस ऑफिसर अपने रियल फॉर्म में आता है, एंड जेटा को बोलता है यू अंडर अरेस्ट माय बॉय। बट ये जेटा फिर इसके पीछे टेलीपोर्ट करता है अचानक से ही, एंड फिर इसको भाई खतरनाक तरीके से हमला कर देता है इसके ऊपर। और भाई साहब देख रहे हो मतलब कितने बुरे हैं भाई ये सारे। एंड फिर फाइनली ये जेटा यहाँ से निकल जाता है, एंड उसके बाद जो भी हो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सब भाई उस दुकानदार की चाल थी जिसने हमें यहाँ पर भेजा था। ठीक है, एंड आई गेस वही असली ओवरसीयर है, ताकि वो बचने के लिए इसने हमें यहाँ पर भेजा था, ताकि यहाँ पर आए एंड ब्लू हेयर वाली लड़की हम पे गुस्सा हो जाए, यानी हमें पीट डाले। ठीक है, तो हमें अब उसी दुकानदार को पीटना पड़ेगा जो कि पहले वहाँ पर था, तो फिर क्या था भाई हम उसको फाइंड करने अब निकल पड़े। एंड बाय द वे वो यहाँ पर था ही नहीं, तो हम थोड़ा और आगे गए, एंड और आगे जाने के बाद हमें कुछ यहाँ पर शव देखने को मिले, तो हमें लगा था भाई ये लोग इसके मतलब दोस्त होंगे, फिर हमने बोला कि अंदर जाने दो। एंड फिर अचानक से पता चला भाई ये तो मिनियंस थे, तो हमने इनको तुरंत ही बीट करा सारे मिनियंस को, एंड हम फिर अंदर निकल पड़े। एंड अंदर जाने के बाद भाई ये लौंडा जो था ना ये लिटरली नेक्सो लॉर्ड के लिए कुछ मिनियंस को इक्विट कर रहा था, तो फिर यहाँ पर इसने बहुत से नेक्सो मतलब मिनियंस भर्ती करके रखे थे, तो हमने सबको बीट करा एक एक करके। एंड फिर अंदर जाने के बाद दिखने को मिला इतने सारे मिनियंस, एंड ये लौंडा यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई जी। ये जो था नेक्सो लॉर्ड के लिए मिनियंस को इक्विट कर रहा था, एंड इसने अभी एक हमें ऑफर दिया कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो, तुम एक ओवरसीयर लेवल के हो, एंड ऑफकोर्सली अगर तुम आते हो तो हम तुम्हें किसी टाउन को ओवरसीयर बना देंगे। बाय द वे अपन को नहीं चाहिए थे ये सब। एंड हमने पूछा कि क्या तुम नेक्सो लॉर्ड को ओमनीक्रॉन को रिवाइव करने में हेल्प कर रहे हो, एंड ये बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, पहले तुम मुझसे बैटल करो। एंड बाय द वे ये सुन के हमारा गुस्सा आ जाता है, एंड हम इसको पीटने चले जाते हैं, एंड कुछ ही सेकेंड्स के अंदर इसके सारे नेक्सोमॉन को हम यहाँ पर बीट कर डालते हैं, वो इतने सेकेंड्स लिटरली बहुत इजीली। एंड आफ्टर डेट फाइनली यहाँ पर नेक्सो गार्ड के सारे एजेंट्स आ जाते हैं, एंड इनके ऊपर गोली बारूद बहुत कुछ करके इन लोगों को तुरंत ही पकड़ लेते हैं सब कुछ को। ठीक है, बुरे आदमियों को। एंड बाय द वे नेक्सो गार्ड यहाँ पर आ चुकी थी, एंड इन्होंने वादा किया था कि ये लोग अभी इली को ढूंढने के लिए अपनी गार्ड उस सिटी में भेजेंगे, रॉयली सिटी के अंदर। एंड बाय द वे फिर ये सारे एक एक करके निकल लिए इस लौंडे को अरेस्ट करके। एंड फिर हम लोग आगे जा रहे थे कि हमें कुछ और मतलब
ट्रेनर्स मिले जिनको हमने बीट करा, एंड आफ्टर डेट फाइनली यहाँ पर अपना शेर जो था फ्लेम टाइगर वो इवॉल्व हो जाता है अपने सेकेंड फॉर्म के अंदर, जो कि एक्चुअली में एक डेडली फॉर्म था। एंड फिर फाइनली हम लोग कुछ सफर करने के बाद आ जाते हैं ड्राइली सिटी के अंदर, जहाँ पर एक लेडी मिस बेला बता रही थी उसके सामने वाले अंकल को कि मेरा बेटा 3 दिन से गायब है, तुम उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे हो। एंड बाय द वे सामने जो अंकल खड़ा है ना, ये वही लॉर्ड ना जो कि हिडन विलेज में हमारे पीछे आया था लेक्स और लॉर्ड के कहने पर। एंड बाय द वे ये अभी इन लोग मतलब मिस बेला को बोल रहा था ये मेरे असिस्टेंट है जो कि मेरे जॉब में मदद करने आया है। मतलब भाई दोगला इंसान भाई, बहुत अजीब गरीब बात कर रहा था। एंड फिर एक्चुअली ये हमें बताता है कि जब हमने उधर पे इसको हराया था ना, तो तुरंत ही नेक्सो लॉर्ड ने इसको लात मार के उसके काम से निकाल दिया था। एंड फिर ये मिस बेला के पास आया काम ढूंढने, एंड फिर इन्होंने इसको रख लिया जॉब में। एंड मिस बेला इस दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर औरत है। बाय द वे हमें भी पता चलता है कि मिस बेला का जो लड़का है ना, उसको उसके खुद के घर पे किसी ने बंद करके रख दिया है। मतलब घर पे घुसाया, शायद सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ कर दिया, एंड बाहर से कोई घर के अंदर जा ही नहीं पा रहा फिलहाल। एंड उसका लड़का एक ओवरसियर था। एंड फिर हमें इस बात पे कुछ सेंस दिखता है कि शायद से हमारी दोस्त इली ने उस ओवरसियर को ही घर पे बंद कर दिया सारा उसका सिक्योरिटी सिस्टम हैक वैक करके। बिकॉज अगर ओवरसियर नेक्सो लॉर्ड के लिए काम कर रहा है, एंड अगर इली ने उसको घर पे बंद कर दिया, तो ऑफकोर्सली वो हमें ढूंढ नहीं सकता है ना, वो बच्चा मतलब इली को ढूंढ नहीं सकता हमें, सॉरी, तो वो बच्चा घर पे ही बंद है। तो फिलहाल उसके बाद हम यहाँ के बैंक में आए, बिकॉज यहाँ पे बैंक में कुछ रफड़ा हो रहा था लफड़ा, तो हम लोग आए अंदर। हमें देखने को मिला कि नेक्सो लॉर्ड के कुछ बंदे हैं एंड यहाँ पर बैंक को लूट रहे थे, तो हमने तुरंत इन सब लोगों को रोका था कि ये कांड ना कर सके। एंड आफ्टर डेट इनको रोकने के बाद फाइनली मेरा ये बर्ड जो था वो अपने फाइनल फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो चुका था, जो कि एक्चुअली बहुत ऑसम लग रहा था। एंड अब ये लड़का भाई साहब डर चुका था हमसे, तो वो तुरंत यहाँ से भाग गया। एंड हमने एक बैंक को बचा लिया था लूटने से। अब एंड आगे हम उस ओवरसियर लड़के के घर पे आते हैं, एंड इसका घर लिटरली बहुत ज़्यादा आलीशान था। एंड फिर हमें पता चलता है कि अपनी दोस्त जो इली है ना, वो एक चोर के साथ पूरा टीम अप कर चुकी है एंड उसके हिडन बेस में जाकर छुपी पड़ी है, ठीक है। तो हमें अभी उसको ढूंढना होगा उस चोर को, ताकि हमें इसका हिडन बेस मिल सके एंड हमारे दोस्त इली को फाइंड कर सके। एंड उसमें हंटर हमारी मदद करने वाला है, बिकॉज अगर हम उसको फाइंड करते इली को, तो वो मतलब अपने ओवरसियर दोस्त को भी छुड़ा सकता है। एंड आफ्टर डेट हम रॉन के पास आते हैं, रॉन हमें बताते हैं कि वो डायमंड रखेगा यहाँ पर, एंड फिर हम छुप जाएंगे एंड फिर वो चोर उस डायमंड के लालच में आ ही जाएगा एंड फिर हम उसके हिडन बेस को ढूंढ लेंगे। तो रॉन भाई हमारी बहुत मदद कर रहा था, एंड उसके मतलब उसके दुकान पर भी उस चोर ने चोरी की थी, तो वो उसको भी पकड़ना चाहता था बाय द वे। एंड फिर जैसे तैसे ये चोर लालच भर मतलब लालच से आ जाता है एंड ये लेके निकल जाता है डायमंड। एंड अभी रॉन ने बताया था कि तुम्हें मेरा डायमंड बैक लाना है एंड उसके हिडन बेस को ढूंढना है, तो बस इतना ही। तो फिर क्या था भाई, हम निकल पड़े उसके हिडन बेस को ढूंढने। एंड बाय द वे यहाँ पर भाई एक गटर जैसा नाला खुल चुका था, तो अब भाई इसको पूरा हमें पार करना पड़ा। एंड फिर हमें फाइनली यहाँ पर हमारे सारे दोस्त एंड इली मिली, एंड हमें पता चला कि इन लोगों ने यहाँ पर एक टीम बनाई है नेक्सो लॉर्ड के खिलाफ, ताकि नेक्सो लॉर्ड को बीट कर सके। तो यहाँ पर प्रीवियस नेक्सो लॉर्ड ड्रामूस था, येलो रेंजर था, अपना दोस्त ईवा था, एंड ऑफकोर्सली चोर था, एंड इली भी थी। तो एक्चुअली इली का प्लान था, उसने ब्रॉडकास्ट को देख लिया था एंड उसके बाद ये तुरंत ही यहाँ पर आके छुप गई। एंड फिर इसने टीम में इसको रिक्रूट किया ताकि ये इसकी हेल्प कर सके नेक्सो लॉर्ड को बीट करने में। एंड बाय द वे इनके पास एक छोटा सा प्लान था, इन लोगों ने ओवरसियर को घर पे बंद कर दिया था एंड अब उस ओवरसियर का शिप लेके हम निकल पड़ेंगे डेजर्ट में, ठीक है। एंड वहाँ पर जाके हम नेक्सो लॉर्ड को वहीं पर हरा देंगे एंड ओमनीक्रॉन को रिवाइव होने से रोक देंगे। तो ये छोटा मोटा अपने पास प्लान था। एंड ओमनीक्रॉन को तक नेक्सो लॉर्ड रिवाइव नहीं कर सकता जब तक वो इली की हेल्प ना ले, बिकॉज वो 4 साइंटिस्ट में से इली भी है जो कि इस डिवाइस को बना सकती है जिसमें वो ओमनीक्रॉन को रिवाइव कर सके। बट अब इली तो यहाँ पर है, तो ऑफकोर्स नेक्सो लॉर्ड ये काम कर ही नहीं सकता। एंड इसी बात से हम खुश हो रहे थे कि अब तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा बिल्कुल से। बट उसी बीच किसी का साउंड आता है एंड ये था भाई ये ओवरसियर जो कि घर से निकल चुका था अपने, इसके साथ बहुत ही बड़े किसी का हाथ था इसलिए घर से निकल गया है। बाय द वे ये कौन था अब तुम्हें पता चल जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक लौंडा है एंड ये आते ही फट जाती है यार यहाँ की सबकी। एंड ये था भाई जेटा, एक्चुअली में वही लौंडा जिसने नेक्सो घाट के बचा दी थी। एंड ये लुक्स ऑफ द लाइटनिंग है जो कि ओमनीक्रॉन के चिल्ड्रन है बाय द वे, ठीक है। एंड ये ह्यूमन फॉर्म पे फिलहाल, एंड फिलहाल ये हम पांचों से एक साथ बैटल करने वाला था। देखो भाई साहब, इसने अपने फॉर्म को 5 में डिवाइड कर दिया, अब ये 5 टाइम वीकर है, बट इसकी पावर लेवल देख के तुम शॉक हो जाओगे लिटरली। देख लो कितना खतरनाक है, एंड ओवरसियर वाला छोटा सा बच्चा जो भी है। बाय द वे अब यहाँ पर ये हम पांचों से बैटल करने वाला था एंड हम बिल्कुल तैयार थे इसको बीट करने के लिए। तो भाई साहब यहाँ से तुरंत हम निकल पड़े इससे बैटल करने के लिए। तो बाय द वे यहाँ पर इसके पास 6 के 6 नेक्समॉन थे, मतलब सोच लो इससे कितना नेक्समॉन लाए थे, सबके खिलाफ इसके पास 6 के 6 नेक्समॉन है। बट जो भी हमने इसको तुरंत ही हराया एंड उसके बाद फाइनली हमारा एक नेक्समॉन जो कि था ये डॉग,
वो फाइनली उसके फाइनल फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो चुका था, जो कि एक्चुअली में एक बीस्ट लग रहा था बिल्कुल। एंड बाय द वे इसके बाद जेटा ने मतलब हम सबको नहीं हरा पाया, हम सब ने जेटा को हरा दिया उल्टा, एंड ये ओवर पावर हमने कर दिया था इसको। एंड बाय द वे अब हमें लगा था कि जेटा यहाँ से निकल जाएगा, बट इसने निकला लेकिन हमारे दोस्त इली को लेके, एंड अब बहुत ज़्यादा रिक्स था, एंड ये लड़के को इसने पीछे ही छोड़ दिया था। अब ये बच्चा भाई बैठ के रो रहा है बिकॉज इसको पीछे छोड़ दिया, बट प्रॉब्लम तो हमारे सर पे आ चुकी है ना अब। एंड बाय द वे हम इसके साथ कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज ये मिस बेला का चाइल्ड है, हमें छोड़ना ही पड़ेगा इसको। एंड फिर यहाँ पर मिस बेला भी आ जाती है, जो कि हमें बताती है कि ये लोग हमेशा नेक्सो लॉर्ड की मदद करते हैं चाहे मैटर कोई सा भी हो। एंड बाय द वे फिर ये बताती है कि नेक्सो लॉर्ड के उस इविल मशीन को बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग दी है, एंड नेक्सो लॉर्ड ने इसके बेटे को ओवरसीयर इसलिए बनाया था कि उसको फंडिंग बहुत बड़ा मिल सके। एंड बाय द वे फिर हम बताते हैं कि हमें इली को बचाने के लिए इमीडिएटली डेजर्ट में जाना होगा, एंड फिर ये मान जाते हैं कि ये अपना शिप हमें देने वाली है ताकि हम डेजर्ट में तुरंत ही जा सके। बट डेजर्ट में पूरा नेक्सो गार्ड लोगों ने पूरा मतलब नेक्सो लॉर्ड ने पूरा कब्जा करके रखा है ठीक है डेजर्ट में, तो इसके लिए मिस इली ने बताया था कि हम उनके घर पर जाएंगे, हमें एक टिकट देगी जो कि इन्होंने दिया भी। एंड फिर हम तुरंत ही शिप के रास्ते में निकल लेते कि हमें कुछ आवाज़ सुनाई देता है, तो हम उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे जाते हैं। एंड हमें दिखता है कि यहाँ पर नेक्सो लॉर्ड के एक चैंपियन ने पूरे पावर रेंजर की टीम को पीट डाला है, एंड अब ये लास्ट रेंजर बचा था जो कि अपना था प्यारा सो ब्लू, तो इसको भी इसने पीट डाला। एंड फिर हम सोचते हैं भाई इसने शायद से हमें नहीं देखा होगा, हम चुपचाप निकल पड़ते यहाँ से। बट ये लौंडा तुरंत हमें देख लेता है एंड हमें बताता है कि तुम यहाँ पर आ बच्चो, एंड फिर हमें जाना ही पड़ता है इसके पास बिकॉज हम भाग भी नहीं सकते ना, ये अपना रियल फॉर्म में आके नेक्सो वन वाले फॉर्म में हमें मार देगा। एंड फिर यहाँ पर अचानक से ही ये हमसे बैटल शुरू करता है, एक्चुअली इसको रियल फॉर्म में नहीं आना था, इसको हमें नॉर्मल बैटल करना था, तो हमने इसको तुरंत ही बैटल में हराया। एंड आफ्टर दैट ये अपने रियल फॉर्म में आने ही वाला था कि अचानक से यहाँ पर आ जाता है कोई और, मास्टर उल्जार, जो कि भाई इसको रोकने आए थे। एंड इन्होंने कहा कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारा बाप भी मेरे को नहीं हरा सकता ओमनिक्रॉन, तो तुम हराओगे मेरे को। एंड फिर वही हालत होगा तुम्हारा जो कि हजारों साल पहले हुआ था, एंड ये सुन के भाग जाता है। एंड भाई ये मास्टर उल्जार फिलहाल इसको कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज ये इनके घोस्ट है बिल्कुल ठीक है, तो ये असली समझ बैठा था। एंड भाई फिर मास्टर उल्जार हमें बताते तुम्हारा जर्नी इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एंड आफ्टर इट ये सब सुनने के बाद हम शिप में बैठ के आगे निकल पड़ते हैं, हम रेमोस एंड सब लोग जा रहे थे शिप में बैठ के, बट फिर हम जब शिप में थोड़ा आगे जाते हैं ना भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला था। हम सोच रहे थे हम जल्दी से डेजर्ट में जाएंगे, नेक्सो लॉर्ड को बीट करेंगे, बट उसी बीच यहाँ पर आती है और एक खतरनाक सी लॉन्डिया, ये वही थी मेरिडा, जो कि एक्चुअली में हमसे बदला लेने आई थी उधर का, एंड अब ये यहाँ पर हमें ख़त्म कर देने वाली थी, इसको लग रहा था ऐसा बिल्कुल ठीक है ये हमें ख़त्म कर देगी। तो भाई ये ज़मीन में गई मतलब पानी में गई सॉरी, एंड अभी ये अपने रियल फॉर्म में आने वाली थी जो कि इसका नेक्सो मॉन का फॉर्म था। एंड फिर ये अपने उल्जार चेन को तोड़ के अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जो कि था एक लेजेंडरी नेक्सो मॉन जो कि ओमनिक्रॉन का फिफ्थ चाइल्ड था, एक्वा ऑफ द ओशन। एंड ये एक्चुअली में नेक्सो लॉर्ड के ऑर्डर पर हमें यहाँ पर ही ख़त्म करने आई है ताकि हम डेजर्ट तक ना पहुँच सके एंड नेक्सो लॉर्ड को ना रोक सके। तो बाय द वे फिर हम पांचों ने इसके साथ बैटल शुरू कर दी, एंड इसका एचपी भाई 2500 तक था, मतलब हमारी एचपी देख रहे हो 200 तक है एंड इसकी एचपी भाई 2000 के ऊपर है। तो बाय द वे अब हमने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पॉइजन कर दिया था, एंड पॉइजन करने के बाद इसको हराना इजी था बिकॉज अपने पास हीलिंग अटैक भी थे, तो हम अपने आप को हील करते गए एंड पॉइजन से इसका एचपी जाता गया। एंड फिर ऐसे तैसे ही हमने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दी, एंड ऐसे करते काफ़ी टाइम तक ये काफ़ी लो हो चुकी थी, एंड उसके बीच ही हमने अपने लेजेंडरी मॉन की खतरनाक अटैक से इसको बीट कर दिया। बट एक्चुअल स्टोरी लाइन में ये हमको बीट कर देती है एंड हम सभी लोग इससे हार जाते हैं, एंड उसके बाद ये अपने पावर से अपने शिप को मतलब हमारी शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है एक्चुअली में। तो वहाँ से हम जैसे तैसे सर्वाइव करके आप पहुँचते समुंदर के किनारे पर, बट यहाँ पर हम बेहोश हो चुके थे, तो मास्टर उल्जार हमें आके उठाने की कोशिश कर रहे थे बट हम उठे नहीं रहते। तो अब मास्टर उल्जार ने कहा नेक्सो लॉर्ड यहाँ पर है, एंड ये कहते ही हमारा कैरेक्टर उठ गया, मतलब यही मूल मंत्र है इसको उठाने का। एंड बाय द वे फिर मास्टर उल्जार ने कहा तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ से खो चुके हैं एंड वो शायद से यहीं पर कहीं पर मतलब तितर बितर हो चुके हैं, तो तुम्हें उनको ढूंढना है, एंड हम डेजर्ट के बिल्कुल पास आ चुके हैं ठीक है, तो हम डेजर्ट में आ चुके हैं। एंड फिर देखो ये चोर ऊपर क्या कर रहा है, मतलब पता नहीं इसको बहुत लगा है भाई जो भी है। एंड फिर फाइनली हम ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आते हैं एंड ये हमें अपना रोबोट दोस्त मिल जाता है। पहले तो ये माइनर बंदा इसे एक कबाड़ समझ रहा था, फिर हमने बताया कि यार ये हमारा दोस्त रोबोट है, एंड फिर ये बताता है चलो ये खराब हो चुका है बट एक बंदा मैं जानता हूँ ये ठीक कर सकता है, उसका नाम एल्विन है एंड वो पास ही में कहीं पर
काम कर रहा है तो तुम उसको ढूंढ लेना, ठीक है। एंड ये बोल के अपने माइनिंग पे वापस से निकल जाता है। एंड इसके हाथ में एक डायमंड भी था। एंड फिर मैं अपने दोस्त को उठाता हूँ, एंड उठाने के बाद फाइनली मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ सिटी में। एंड सिटी में लोग डांस कर रहे थे। एक्चुअल में सब कुछ दुनिया बर्बाद हो रहा है, ये लोग डांस देख रहे हैं। तो बाय द वे जो भी हो, मैं सामने से लूट लिया इनके पास से बहुत चीज़। एंड आफ्टर दैट मैं फाइनली उस बंदे के पास आ गया, एल्विन। एंड ये मेरे को देख के पहले डर गया था, इसने मेरे को नीचे फेंक दिया। एंड फिर बाय द वे मेरे पास आता है कि तुम ठीक हो ऐसे पूछने को। एंड फिर हम उसे बोलते कि भाई हम तुम्हें ढूंढने आए थे, एंड हमें अपने दोस्त रोबो को ठीक कराना है तुम्हारे हाथों से, बिकॉज यही कर सकता है ये काम। एंड आफ्टर डेट ये बोलता है मेरे पास बहुत काम है, इस ट्विस्टर माइक्रोव को मैं ठीक नहीं कर सकता। बट फिर हम बताते कि नहीं भाई, ये हमारा दोस्त है, एक्चुअली में रोबोट है। एंड फिर ये फाइनली इस पर थोड़ा इंटरेस्ट लेता है एंड बोलता है मेरा बैग माइनिंग एरिया पर रखा हुआ है एंड हमें उधर पर जाके उसको लेना पड़ेगा। बट वहाँ पर ऑलरेडी नेक्सो लॉर्ड एंड पता नहीं आकर ओवरसियर आ पा रहा है, तो हमें वहाँ पर छुप के जाना होगा। तो फाइनली ये मान जाता है, बोलता है तुम मेरे पीछे अगर तो आना, एंड अगर तुम्हें कोई पूछे तुम कौन हो तो तुम बता देना कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। एंड फिर भाई यहाँ पर आके हम देखते हैं यहाँ पर नेक्सो लॉर्ड ओवरसियर एंड सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, एंड एक नेक्सो लॉर्ड का चैंपियन भी है। तो नेक्सो लॉर्ड सबको बता रहा था कि आज वो गुंड ऑफ द अर्थ को रिवाइव करने वाला है, एंड उसी के लिए वो पीछे के माइंड में निकल पड़ता है। एंड फिर हम भी माइंड में आके एल्विन का बैकपैक ढूंढते हैं, एंड उसके बाद उसके टूल से फाइनली हम लोग अपने रोबो दोस्त को भी ठीक यहाँ से कर लेते हैं। तो गुंडा के चैम्बर में जाते हुए आगे यहाँ पर हमारे दोस्त डीना हमें देखने को मिलती है, जो कि इस केव को एक्सप्लोर करने आई थी। बट यहाँ के ओवरसियर ने डीना को रोक दिया था एंड कहा था कि तुम आगे नहीं जा सकती हो, एंड इसका ड्रीम था कि इस केव को मतलब देखे वेखे। तो फिर ये ओवरसियर के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो इसने एक मिनियन को बुलाया एंड इन लोगों के पीछे मतलब हमारे पीछे लगा दिया। एंड फिर फाइनली मैंने इस मिनियन को कुछ ही सेकेंड के अंदर बीट कर डाला। एंड इस मिनियन को बीट करने के बाद ये जा ही रहा था अपने मालिक को बताने नेक्सो लॉर्ड को कि ये इसके ऊपर भाई गिर जाता है अपना रैमूस, एंड इसको भाई धो देता है बिल्कुल। मतलब रैमूस ओपी भाई अपना, बिल्कुल रैमूस ओपी। तो आगे हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम गुंडा के चैम्बर में साथ में जाएंगे। बट उसी बीच अपना ये विंड हॉर्स फाइनली तरीके से अपने फाइनल फॉर्म के अंदर इवॉल्व हो चुका था, जो कि एक्चुअली में काफ़ी ऑसम लग रहा था। और फिर इस माइंड में हमें इवेंट मिल जाता है, जो कि तुरंत हमारी टीम को ज्वाइन करता है। एंड आफ्टर इट हम लोग जाते जाते सोच ही रहे थे कि नेक्सो लॉर्ड ओमनीक्रॉन के 7 चाइल्ड में से सिर्फ और सिर्फ 5 को क्यों रिवाइव कर रहा है। एंड फिर रैमूस आंसर देते हैं कि बाकी 2 जो मरे थे ना, उनका भाई लोकेशन ही किसी को पता नहीं है कहाँ पर मास्टर उल्जान ने उन्हें मारा था, तो शायद से इसीलिए नेक्स्ट लॉर्ड उन्हें रिवाइव नहीं कर पाया। बाय द वे फिर आगे हमें यहाँ पर फ्रैनिर मिलता है, जो कि हमारे रास्ता रोक के यहाँ पर बैठा हुआ था। एंड अगली बार जो मैंने इसको हराया था ना, इसको अभी मेरे से बदला लेना था एक नेक्स्ट ऑन बैटल से। एंड अगर मैंने इसको हरा दिया तो ये फाइनली मुझे गुंडा के चैम्बर में जाने देगा। तो फिर क्या था भाई, हम लोग ने तुरंत शुरू कर दिया इससे बैटल। और फिर क्या था, मैंने पलक झपकते इसके सारे नेक्सो मॉन्स को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही पीट कर डाला। तो इसको हटाने के बाद इसने अपना बात रखा एंड ये तुरंत यहाँ से निकल जाता है, हमें चैम्बर में जाने के रास्ता दे देता है। बट फिर यहाँ से इसका ओवरसियर आ जाता है इस सिटी का, एंड ये बोलता है तुम लोग प्लीज बाहर रहो, अंदर मत आओ फूल्स। एंड फिर जो भी हो, हम लोग अंदर निकल पड़ते हैं इसका बात ना मान के एक्चुअली में, एंड हमें लगा था ये बुरा है, ठीक है। एंड फिर जब हम अंदर आते हैं, हमें गुंडा का भाई साहब यहाँ पर बॉडी दिखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। बट फिर हम लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर आ जाता है नेक्सो लॉर्ड, एंड ये यहाँ पर हम लोग को देख के बोलता है कि तुम लोग हाँ बच्चों। तो बाय द वे फिर ये ओवरसियर को बोलता है कि मशीन चालू करो। बट यहाँ का ओवरसियर जो होता है ना, वो लौंडा बोलता है मशीन में कुछ खराबी है, मशीन चालू नहीं होगी, ये वो मतलब ये भाई ये बहाना मार रहा था। एंड एक्चुअली में ये बंदा क्या कर रहा था पता है, इस मशीन के ऊपर इसने पूरा का पूरा मतलब ऐसा लगा था कि मशीन को दबाते ही मशीन पर ब्लास्ट हो जाएगा एंड सब लोग मर जाएंगे यहाँ का। मतलब ये चाहता था कि यहाँ पर ये एंड नेक्सो लॉर्ड दोनों यहाँ पर ख़त्म हो जाए एंड हम लोग अंदर थे, इसलिए इसका मशीन मतलब इसका प्लान फ्लॉप हो गया, ठीक है। एंड इसके वजह से हमने गड़बड़ कर दी थी इसके प्लान में, बट जो भी हमने इसे तो बचा लिया था। एंड बाई टीवी बाद में नेक्सो लॉर्ड खुद ही इस गुंडा को रिवाइव करता है एंड गुंडा को बोलता है कि मेरे पीछे जितने भी लोग हैं तुम उनको ख़त्म कर दो गुंडा। एंड साथ ही में नेक्सो लॉर्ड ये भी कहता है कि मैं नेक्स्ट फादर ओमनीक्रॉन को रिवाइव करूंगा। एंड फिर ये यहाँ से निकल लेता है और हम सब बेहोश थे एंड गुंडा हमारे ऊपर बरसने वाला था कि यहाँ पर ओवरसियर खान एंड हिल्डा आते हैं एंड तुरंत अपने स्पिरिचुअल पावर से हम सभी लोग को यहाँ से हील कर देते हैं ताकि हम लोग इससे बैटल कर सके। एंड हील होने के बाद ही तुरंत हम लोग रेडी हो जाते हैं गुंडा को मारने के लिए। एक्चुअली अगर इसको हमने यहाँ पर नहीं हराया तो फाइनल फाइट में हमारे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। एंड फिर हम सब यहाँ से निकल पड़ते हैं उल्जार के हराए हुए, ऑलरेडी हराए हुए मतलब मॉन्स्टर, जो कि था ओमनीक्रॉन का फर्स्ट चाइल्ड गुंडा ऑफ द अर्थ, इसको हम हराने लग गए एंड इसके साथ हमारी बैटल शुरू हो गई।
तो गूंजा अभी वापस से जन्माता है। अभी ये अपनी पूरी ताकत भी रिस्टोर नहीं कर पाया, फिर भी इसकी स्पीड देख रहे हो कम से कम 3000 है भाई इसकी स्पीड। एंड ये देख के लिटरली मुझे डर लग गया था कि मैं इसको हरा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ये लगभग मेरे हर एक नेक्सोमॉन को बीट कर रहा था, बट एंड ऑफ द डे मैंने कुछ पोजीशंस के यूज़ करते करते इसे बीट कर डाला। एंड उसके बाद फाइनली गुंड्रा नीचे जमीन में वापस से चला आता है। तो आगे हमें हिल्डा ने ये बताया कि जहां पर मास्टर उल्जार ने ओमनिक्रॉन को हराया था वहां पर आज नेक्स्ट लॉर्ड टावर खड़ा हुआ है। एंड अभी हमें नेक्स्ट नेक्सोलॉर्ड टावर जाना होगा ताकि हम ओमनिक्रॉन को रिवाइव होने से रोक सके। तो ये सब तो भाई अपने रास्ते में निकलेंगे एंड मुझे अलग से अपने रास्ते में निकलना पड़ेगा। एंड फिर फाइनली डीना भी अपने साथ जाने को मान जाती है एंड हम तीनों निकल पड़ते हैं नेक्सोलॉर्ड टावर की ओर। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेन पकड़ना पड़ता है जिसके लिए हम नेक्सोलॉर्ड टावर में जाएंगे। एंड एक्चुअली ये सारा भाई ट्रेन का फीचर अगर पोकेमॉन गेम में आ जाए ना मजा अलग से आ जाएगा। बट अभी जो भी वो फिर हम ट्रेन पकड़ के आ जाते हैं फ्रीज वाले एरिया में, मतलब आइस एरिया के अंदर, स्नो वाले बायोम तो बोल सकते हैं ऐसा। एंड फिर यहाँ पर जाते जाते हमें अपना दोस्त ब्राइस मिलता है जो कि बताता है हमें कि यहाँ पर सारे नेक्सो गार्ड आ चुके हैं एंड ये सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम सब एक साथ नेक्सो लॉर्ड के टावर पर अटैक करेंगे एंड उनको डिफीट कर देंगे। ठीक है, नेक्सो गार्ड भी हमारी हेल्प करने वाले इस मिशन के दौरान। एंड बाय द वे सबको पता चल चुका है कि हमने डेजर्ट में क्या कांड किया, मतलब गुंड्रा को अकेले हरा दिया हमने। बाय द वे जो भी हो, हम अपने एक्चुअल मिशन में निकल पड़े नेक्सो लॉर्ड टावर की ओर। एंड उसी बीच हम एक ब्रिज को क्रॉस कर ही रहे थे कि हमें डीना रोकती है, हमें दिखाती है वो देखो नेक्सो लॉर्ड टावर। एंड अगर तुमने अभी करंट नेक्सो लॉर्ड को डिफीट कर दिया तो तुम नेक्स्ट नेक्सो लॉर्ड बन जाओगे, मतलब हम भाई नेक्स्ट नेक्सो लॉर्ड बनने वाले थे। बट हम खुशी इस चीज़ का मना ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर कोई और आता है, नहीं तो अपने पावर रेंजर की टीम, एक्चुअली ये किंग नाइट की टीम है, मैं इनको पावर रेंजर बुलाता हूँ। ठीक है, एंड बाई द वे जो भी हो, ये लोगों ने हमें यह बताया था कि इनको हमसे बैटल करके देखना है कि जो दुनिया को बचाने जा रहा है क्या वो उस काबिल है। तो क्या था भाई, मैं इनको प्रूफ करने लग गया एंड तुरंत पलक झपकते मैंने इनके सारे नेक्सोमॉन को बीट करा एंड फिर ये लोग जख्मी हो गए। लॉल भाई, इनकी फट गई। तो बाय द वे फिर ये लोग भाई निकल लिए अपने रास्ते और फिर हम भी अपने रास्ते निकल पड़े इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए नेक्सोलॉर्ड टावर के लिए। बट आगे एक सिटी हमको दिखी एंड इस सिटी में पता नहीं कुछ मिनियंस एक लड़की को अंदर जाने से रोक रहे थे। ये इसी सिटी में रहती है लड़की, बट फिर इस लड़की ने बाद में हमसे हेल्प मांगी एंड एक्चुअली मैं सुपर हीरो की तरह निकल पर आगे एंड जाके मैंने उसे तुरंत ही बचाने के लिए मिनियंस के साथ बैटल शुरू कर दी। एंड बेकार के मिनियंस को 2 सेकंड में मैंने डिफीट करा सबको। एंड आफ्टर डैट ये मेरा भाई जो बीस्ट था ना, मेरा बीस्ट नेक्सोमॉन, वो इवॉल्व हो गया अपने फाइनल फॉर्म के अंदर, जो कि बिल्कुल ऑसम था भाई एकदम। एंड बाय द वे फिर मिनियंस भागते हैं, लड़के हमें पहचान लेते कि तुम वही बच्चे हो ना जिसने गुंडा कराया था। बाय द वे सब भाई फेमस हो चुका मैं हर जगह। तो जो भी हो, बाय द वे ये अपनी सिटी वापस निकल पड़ती हैं और मैं भी नेक्सोलॉर्ड टावर की ओर निकल पड़ता हूँ। बट उसी बीच मेरे को देखने को मिलता है कि नेक्सोलॉर्ड टावर के सामने तो भाई या के ओवरसियर एंड सारे के सारे चैंपियंस ने मिलकर एक बिल्कुल बड़ा सा भाई दीवार खड़ा कर दिया है। एंड अगर हमको जाना है तो इनको हरा के जाना पड़ेगा। एंड ये देख के भाई, इनकी भाई खतरनाक रूप देख के हम सब पूरा डर गए, मैं और रोबोट तो भाई पूरा फट गई थी हमारी। तो हमने भाई तुरंत ही यहाँ से भागने का डिसीजन लिया। तो फिर हम यहाँ पर आके सोच रहे थे कि हम अंदर जाएंगे कैसे, बिकॉज वहाँ पर चैम्पियन एंड यहाँ के ओवरसियर ग्लेशियर ने तो एक बैरियर बना दिया है। बट इसी बीच हमें वो वुमेन वापस से मिलती है एंड ये हमें थोड़ा साइड में बुलाती है सिटी के। एंड ये वुमेन काफ़ी हमें अजीब लगी थी तो हमने इसका पीछा किया एंड इसका नाम वैसे जूलियट था। एंड फिर इसने बताया कि नेक्सोलॉर्ड ने एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई है जिसमें उसने पता नहीं कोई खतरनाक मशीन बना रहा था। तो अब उसको वो मशीन का जगह पता था सीक्रेट लेबोरेटरी का, तो हम इस लड़की का पीछा करते करते इस लेबोरेटरी में आए। बट यहाँ पर मुझे वो दोगला बंदा वापस से देखा जो कि पहले मैं इस बेला के लिए काम कर रहा था एंड ये वापस आ चुका है नेक्सोलॉर्ड के लिए काम करने को। पता नहीं पर बहुत दोगला ये बंदा। तो मैं इस बंदे को तुरंत ही यहाँ से हरा के इसके औकात दिखा देता हूँ। एंड इसको भाई तुरंत ही यहाँ पर हराने के बाद मेरा सबसे फेवरेट नेक्सोमॉन जो कि टीरेक्स जैसा दिखता था वो फाइनली इवॉल्व हो चुका था उसके फाइनल फॉर्म में, जो कि एक्चुअली बिल्कुल हुबाउ सेप्टाइल की तरह दिख रहा था एंड इसलिए मेरा फेवरेट है। मजे में फिर मैं इस चैम्बर के अंदर जाता हूँ एंड इसके अंदर जितने मिनियंस होते हैं ना नेक्सोलॉर्ड के, उन सबको ढूंढता हूँ एक एक को भाई बहुत गंदी तरीके से मैं कूट डालता हूँ। एंड फिर मैं इली एंड बैक डॉक्टर को ढूंढता हूँ एंड उन सबको लेकर जूलियट के घर पर आ जाता हूँ। एंड अब हमारा मेन एम था कि हम चैंपियन लोगों को डिफीट कर दें। एंड इसके लिए हमारे पास एक आइडिया था, बिकॉज चैंपियन लोग ह्यूमन नहीं थे, वो थे नेक्सोमॉन, तो हम उनकी एनर्जी को कुछ ओवरफ्लो कर देंगे एंड उनको बीट कर देंगे। तो इसके लिए बस हमें चाहिए था अपना नेक्सोमॉन कोर एंड साथ ही में एक नेक्सोनियम नाम का आइटम। तो उसके लिए हम पास के केव में चले गए जूलियट के साथ एंड वो चीज़ हमें मिल भी गया था। बट यहाँ पर मास्टर उल्जार आ जाते हैं एंड हमें बताते हैं कि तुम्हारा भागने का टाइम हो चुका है।
बिकॉज नेक्सोलॉर्ड जो है ना वो ओमिक्रॉन को रिवाइव कर देगा एंड उसके बाद सारे नेक्सोमॉन के अंदर की डार्कनेस जाग जाएगी एंड वो ह्यूमंस के खिलाफ हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम यहाँ से भाग जाए ना अपनी जान जैसे तैसे बचा ले एंड ये लास्ट टाइम हमें बता रहे हैं, बट हम इनकी बात मानने को तैयार नहीं थे एंड फिर इन्होंने कहा कि अपने नेक्सोमॉन पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना एंड अब मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ एंड ये कहकर इन्होंने मेरे साथ बैटल शुरू कर दी। तो शुरुआत में तो ये बैटल मुझे एक नॉर्मल बैटल लग रहा था, बट धीरे धीरे जब ये बैटल आगे बढ़ता गया, मैं उनके नेक्सोमॉन को हराता गया, तब मुझे शॉक लग गया बिकॉज वो मेरे नेक्सोमॉन को ही मेरे खिलाफ यूज कर रहे थे। एक्चुअली वो जो नेक्सोमॉन यूज कर रहे थे ना वो मेरे नेक्सोमॉन है बिकॉज उनके लेवल भी सेम है एंड वो नेक्सोमॉन भी सेम है एंड मूव भी वो सेम कर रहे जो कि मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली शायद से जो ओमिक्रॉन है वो भी सेम कर सकता है, वो मेरे नेक्सोमॉन को कॉपी करके मेरे खिलाफ ही लड़वा सकता है। और भाई साहब ये सब देख के तो भाई अपना दिमाग फट गया एंड एक्चुअली एक एक नहीं पूरा मेरी टीम कॉपी कर ली थी इनने एंड आफ्टर डेट हम लोग सोचने में मजबूर हो जाते कि मास्टर उल्जार ने हमें क्या कहा था। बट जो भी हो हम अपने नेक्स्ट मंथ पे विश्वास करेंगे बिकॉज ट्रस्ट एंड विश्वास ही सब कुछ होता है। एंड फिर हमने नेक्स्ट नियम को उठाया, हम घर पे चले गए एंड हमने यहाँ पर अपना मास्टर प्लान बनाया। एक्चुअली जो नेक्सोनियम कोर है ना भाई वो सिर्फ और सिर्फ नेक्सोमॉन को ही डैमेज करती है, ह्यूमंस को डैमेज नहीं करती। तो हमारा प्लान था कि हम इस रोबोट के अंदर इसको फिट करेंगे एंड रोबोट इनके पास जाकर फट जाएगा जिसके खातिर सारे नेक्सोलॉर्ड के जो चैंपियंस है वो तो नेक्सोमॉन है उनके ऑरा को इफेक्ट हो जाएगा एंड वो कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो फिर तुरंत हम आगे इन नेक्सोमॉन चैंपियन के पास एंड बाई द वे ये लोग भाई अभी भी हमसे वैसे ही बात कर रहे थे जैसे पहले बात कर रहे थे एक्चुअली, बट इस बार हमारे पास एक बहुत ही मस्त प्लान था तो हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। तो फिलहाल तो जूलियट एंड यहाँ पर जो अपनी ऑब्जर्वर ग्लेशियर थे उन पर मतलब बहस हो रहा था एंड फिर अपना ये रोबोट आगे बढ़ा, इनमें कौन सा कलर पसंद है ये इंपॉर्टेंट है जल्दी से बताओ, मतलब ऐसे भाई बोल के वो पास जा रहा था एंड ऐसे बहाने मारते मारते अपना रोबो भाई जैसे तैसे ये आगे बढ़ता जाता है एंड फिर इनके थोड़ा और क्लोज जाने के बाद ही अपना रोबो भाई बूम शाकालाका ब्लास्ट हो जाता है एंड इसी के साथ साथ सारे जो नेक्सोलॉर्ड के चैंपियंस थे वो सारे यहाँ पर जख्मी हो जाते हैं। बट अब भाई रियल ह्यूमन जो है वो उसको कुछ नहीं हुआ बिकॉज नेक्सोनियम मैंने तुम्हें पहले बताया था ह्यूमंस को कुछ नहीं करता। तो फिर मैंने ग्लेशियर के साथ बैटल ले ली एंड इसके सारे नेक्सोमॉन को पलक झपकते ही हमने बीट कर डाला एंड इसको बीट करने के बाद हम सोच रहे थे हम जीत जाएंगे, बट उसी बीच सारे नेक्सोमॉन के चैंपियंस उठ जाते हैं एंड अब भाई साहब बहुत खतरा हमारे ऊपर था। बट इसी बीच हमारे सारे टीममेट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं एंड नेक्सोलॉर्ड के जो चैंपियंस हैं ना फिलहाल वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते लेजेंडरी नेक्सोमॉन के फॉर्म में बिकॉज नेक्सोनियम कोर ने इनका सारा एचपी खा लिया है। तो फिलहाल इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग जाके रेस्ट करेंगे नेक्सोलॉर्ड टावर में एंड फिर वहाँ पर टावर प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी खातिर ये सारे यहाँ से एक एक करके निकल जाते हैं एंड ग्लेश यहाँ पर अकेली पड़ जाती है एंड बाय द वे फिर वो भी भाग जाती है यहाँ से। तो सारे चैंपियंस जा चुके हैं तो ये हमारा फाइनल टाइम था जब हम नेक्सोलॉर्ड के टावर अटैक करें एंड हम उनको बीट कर दे। तो इसके लिए हम सब तुरंत ही निकल पड़े आगे की साइड एंड मैं जाते जाते भाई देखता क्या हो पता है, देखो मैं जब आगे जाता हूँ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑलरेडी सारे डिफीटेड है, मतलब नेक्सो गार्ड एंड हमारे सारे दोस्तों ने मिलकर सारे मिनियंस को ऑलरेडी पकड़ रखा है एंड नेक्सो गार्ड तो भाई मिनियंस को अरेस्ट भी कर रहा है। तो भाई बहुत मस्त चीज था एंड फिर तुरंत हम आगे निकल पड़े एंड ये देखो नेक्सो गार्ड का एक स्टेचू, मतलब फिर जो भी हम फाइनल उधर पे आके एंड यहाँ पर जाके अभी हमें नेक्सो गार्ड को डिफीट करना पड़ेगा एंड अंदर नेक्सोलॉर्ड के चैंपियंस भी होने वाला है। तो अभी हम तुरंत ही आगे निकल पड़े इस टावर में एंड इस टावर में जाने के बाद ही तुरंत ही पता नहीं हमें एक ओमिक्रॉन का सोल देखने को मिलता है एंड ये हमें बोलता है ओके चैंपियन ऑफ मैन किंग तुम आ गए हो उल्जार के लेगेसी को कंटिन्यू करने एंड बाय द वे ये घोस्ट सिर्फ मेरे को दिखाता है, इस पिक्चू से भूत को नहीं दिखा, मतलब रोबोट को नहीं दिखा। एंड बाय द वे जो भी हो अभी हमको यहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी थी यहाँ पर अंदर जाने से पहले, तो मैंने शुरुआत यहाँ पर ट्रेनिंग की कर दी एंड फिर मैंने यहाँ पर आधे घंटे तक तो ट्रेनिंग की शायद नेक्सोमॉन्स की ताकि मेरे नेक्सोमॉन बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाए एंड फिर बहुत देर तक ट्रेनिंग के बाद फाइनली मैं नेक्सोमॉन बहुत अच्छे खासे लेवल के हो गए एंड आफ्टर इट मैं आगे निकल पड़ा एंड आगे तुम यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे स्टेचू रखे पड़े थे लेजेंडरी नेक्सोमॉन्स के, मतलब हाँ ओमिक्रॉन के चिल्ड्रंस के इस नेक्सोलॉर्ड टावर के अंदर। तो फिर हम थोड़ा और आगे निकल गए एंड अभी हमें दिखा कि फ्रेनियर ने हमारे दोनों दोस्तों को बीट कर चुका है, मतलब अब हमें इसे बीट करना पड़ेगा एंड ये इतना पावरफुल था कि मेरे दोनों दोस्तों को भाई बिल्कुल जख्मी कर दिया है। तो फाइनली उसके बाद हम इसके साथ बैटल पे आ गए एंड ये भाई सब अपने फाइनल फॉर्म पे आने वाला था। तो इसके बाद इसने अपने उल्जार जिन को फ्री किया एंड वो अपने अनडाइंग फायर फॉर्म में आ गया जो था ओमिक्रॉन का फर्स्ट चाइल्ड फोना। तो भाई हमने तुरंत ही आके इससे बैटल शुरू कर दी एंड इस लॉन्डे के साथ बैटल के दौरान मेरा एक ही नेक्सोमॉन इसके लिए काफ़ी था। एक्चुअली मैंने इसे बहुत ज़्यादा डैमेज दी थी अपने एक ही नेक्सोमॉन के साथ
एंड मेरे नेक्सोमॉन को लेजेंडरी से कम है क्या? मैं कह रहा नेक्सोमॉन भाई बहुत मुश्किल से पकड़े थे, बट एक ने से बहुत ज्यादा डैमेज दी थी एंड फिर दूसरा मेरा मेकारे नेक्सोमॉन आके तुरंत इसे बीट कर डालता है। तो हमने एक चैंपियन को तो हरा दिया था एंड आफ्टर इट पता नहीं चैंपियन ग्रिल करके कुछ हवा में गायब सा हो जाता है। एंड अब इन लोगों ने जल्दी से हमें बोला था कि बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमें जल्दी से जाना चाहिए दूसरों की मदद करने, बिकॉज ऊपर शायद से दूसरे लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम होंगे। एंड फिर एक मिस्टीरियस फोर्स मेरे पूरे की पूरी टीम को हील करती है एंड उसके बाद फाइनली मैं निकल पड़ता हूँ दूसरे नेक्सोमॉन को बीट करने। उसी बीच फिर से इस फटीचर का भूत मुझे वापस से दिखता है। पता नहीं भाई इसका भूत दिखाने में इसको क्या मजा आ रहा था, बट फिर हमें यहाँ पर मिरीडा मिल जाती है एंड इसका भाई पुराना बदला रह गया है हमसे। तो ये इसके लिए तुरंत ही पानी में कूद जाती है एंड पानी में कूदने के बाद कुछ बकलोली करना शुरू करती है एंड उसके तुरंत बाद ही अपने फाइनल फॉर्म में आ जाती है, जो कि था उल्जार चेन रिमूव करने के बाद ही। अब भाई इस फॉर्म में इसको हराना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था, बट एक्चुअली मेरे नेक्सोमॉन बहुत पावरफुल हो चुका है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे एक ही नेक्सोमॉन ने इसके बिल्कुल एल लगा दी एंड एक्चुअली मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छा आइडिया था। मैं इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया, इसका डैमेज लग ही नहीं रहा मेरे ऊपर, देख रहे हो मतलब मैं इतना डैमेज दे रहा हूँ इसका डैमेज लग ही नहीं रहा मेरे ऊपर। लास्ट में इसने पोजिशन करके आ रहा है मेरे नेक्सोमॉन को एंड फिर मेरा इलेक्ट्रिक टाइप वाला आ जाता है, मैं कह रहा नेक्सोमॉन इसको फाइनली बीट कर देता है। एंड इसी के साथ साथ हमने और एक चैंपियन को बीट करा एंड आफ्टर इट एक छोटा सा बच्चू, देख रहे हो ये समझ आता है तो खुद बीट कर रहा है, फिर ये आगे निकल लिया एंड आफ्टर डेट जो भी हम इस बच्चे का पीछा करते करते हम भी आगे आ जाते हैं एंड यहाँ पर फिर से ये भूत, इसका कोई काम धाम नहीं था वैसे, मैं थोड़ा और आगे आता हूँ। एंड यहाँ पर फिर ये बच्चा भाई डर के मारे पता नहीं क्या चिल्ला रहा था एंड फिर ये तुरंत ही भग जाता है। भाई ये नोटिंग की बात बच्चा है बिल्कुल जो भी है, बट जो भी हो मैं आगे निकल पड़ता हूँ एंड आगे मुझे मिलती है चैंपियन ऑफ द विंड नैडिन, जो कि तुरंत अपने रियल अवतार में आती है एंड जो कि था वेंद्रा ऑफ द टेम्पेस्ट। तो मैं तुरंत ही इसके रियल फॉर्म के साथ बैटल के लिए निकल पड़ता हूँ बट ये मेरे को पीछे धकेल देती है एंड फिर दूसरे टाइम भी सेम करती है एंड आफ्टर डैट वेंट्रा ऑफ द टेम्पेस्ट हमें बिल्कुल खत्म करने के लिए फाइनल विंड भेज रही होती है, बट उसी बीच हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं एंड वो अपने स्पिरिचुअल पावर से तुरंत हम लोग को जगाने की ट्राई करते हैं, वो अपनी पूरी ताकत मुझ में डाल देते हैं एंड इन सब के बाद फाइनली तरीके से एक स्पेल के सहारे मैं यहाँ से उठ जाता हूँ एंड इसके बाद मैं खान के सर के ऊपर से कूद के निकल पड़ता हूँ वेंट्रा ऑफ द टेम्पेस्ट से बैटल लेने। बट इस बार मैं बिना रुक के इससे बैटल ले ही लेता हूँ और इस बैटल में वेंट्रा ऑफ द टेम्पेस्ट के सामने मैंने अपने मेगारेयर इलेक्ट्रिक टाइप नेक्सोमॉन को डाला था। तो ये लॉन्डा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने कुछ ही अटैक्स के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया था एंड फिर इसको बहुत लो करता है एंड अगर अपने आप को हील करने लगती है वेंट्रा एंड उसी बीच में नेक्सोमॉन इसको फाइनली तरीके से बीट कर डालता है। एक्चुअली में एक नेक्सोमॉन वेंट्रा के लिए काफ़ी था एंड आफ्टर डेट वेंट्रा हमें बोलती है प्लीज़ पास आओ एंड इसके जब मैं पास जाता हूँ ना भाई ये बताती है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है बट तुमने ये प्रूव कर दिया कि तुम एक रियल वॉरियर हो। एक्चुअली में कि इसने हमारी थोड़ी बहुत तारीफ की है एंड आफ्टर डेट ये फाइनली तरीके से डिसअपीयर हो जाती है बाकी लोग की तरह। और फिर हम थोड़ा और आगे निकल पड़ते हैं एंड यहाँ पर पता नहीं है बच्चा हमसे पहले आके यहाँ पर हर बार डरा हुआ क्यों होता है एंड ये बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, ये बिल्कुल एक मॉन्स्टर है जेटा एंड बाय द वे बहुत ज़्यादा डरपोक लौंडा है, सारे यहाँ के मॉन्स्टर ही है भाई इसको पता नहीं क्या। बट जो भी हो यहाँ पर भाई साहब ये वाला कुछ ज़्यादा ही सच में खतरनाक था एंड यो फाइनली वो ऊपर आ रहा था और फिर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन हमारे सामने आता है एंड ये था लुक्स ऑफ द लाइटनिंग। एक्चुअली ये ओमनिक्रॉन का सिक्स चाइल्ड है लुक्स ऑफ द लाइटनिंग एंड एक्चुअली में ये बहुत 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 पावरफुल है बाकी सबसे। तो ये फिर ये तुरंत ही हमसे यहाँ से बैटल शुरू करता है। तो इस बार मैंने प्लान किया था कि मैं अपने एक ही नेक्सोमॉन से इसको हरा दूंगा एंड इसी के लिए मैं पूरा मेहनत और मुशक्कत कर रहा था इसके खातिर एंड इसको बहुत ही अच्छा मैंने डैमेज दिया था मेरे एक नेक्सोमॉन ने एंड अपने पास हीलिंग की एबिलिटी भी थी तो हम अपने हील कर रहे थे। बट एंड ऑफ द टाइम हम इसको जब लो कर दिए थे तब इसने थोड़ा एक अटैक मिस किया बट आफ्टर डेट इसने मेरे एक नेक्सोमॉन को बीट कर ही डाला एंड फिर फाइनली मेरा शेर आता है इसको फाइनली बीट करता है। और फिर तुरंत ही मैं नेक्सो लॉर्ड को देखने निकल पड़ता हूँ बट यहाँ पर देखने को मिलता है कि नेक्सो लॉर्ड ने मेरे सारे दोस्तों को ऑलरेडी हरा दिया है एंड अब शायद चैंपियन भी आ पड़ते हैं एंड पीछे भाई इन सब का बाप खड़ा हुआ था जो कि था ओमनिक्रॉन। एक्चुअली नेक्सो लॉर्ड भी ओमनिक्रॉन के एक चिल्ड्रन में से एक है जो कि उसका आई थिंक फिफ्थ चाइल्ड या सेवन्थ चाइल्ड ऐसा ही वो था। भाई देखिए जो भी हो यहाँ पर सारे के सारे अभी नेक्सोमॉन ओमनिक्रॉन को रिवाइव करने के लिए रेडी थे एंड इसके लिए ये लोग अपनी सोल को ओमनिक्रॉन को गिफ्ट कर रहे थे। एक्चुअली में एक एक लोग अपने सोल को गिफ्ट कर रहे थे ओमनिक्रॉन को एंड फिर क्या था भाई सब एक ऑरा फॉर्म में बदल गया अपना नाम लेते लेते एंड आफ्टर डेट यहाँ पर तीन लोग बदल चुके थे अलग अलग फॉर्म में एंड फिर जेटा बदल चुका था अपना इलेक्ट्रिक फॉर्म में मतलब लुक्सा एंड आफ्टर डेट फाइनली से नेक्सोलॉर्ड जो कि मेन चाइल्ड था ओमनिक्रॉन का वो भी फाइनली अपने पावर फॉर्म में बदल जाता है मतलब ऑरा वाले फॉर्म में एंड आफ्टर डेट एक बहुत ही खतरनाक वाली यहाँ पर रोड करता है ओमनिक्रॉन एंड इसी के फाइनल रोड के साथ पूरी बिल्डिंग टूट जाती है एंड हम लोग यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं।
एंड हम लोग को देखने को मिलता है ओमनिक्रॉन पूरी तरीके से रिवाइव हो चुका है एंड उसके पीछे उसके 5 बच्चों की 5 आत्माएं हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहे थे एंड अब ओमनिक्रॉन हम पे बिल्कुल रहम नहीं खाने वाला था। बाय द वे फिर हम उठते हैं एंड फिर उससे बैटल करने को बिल्कुल रेडी होते हैं। बट बाय द वे एक चीज़ देखो, ये अपना मेन कैरेक्टर जो दिख रहा है ना इस फोटो में, ये बिल्कुल ऐश कैचम की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा तुम्हें पीछे से बिल्कुल ऐश की तरह? मेरे को तो लग रहा है भाई बिल्कुल ऐश की तरह ही। बाय द वे जो भी हो, ओमनिक्रॉन अब हमें छोड़ने नहीं वाला था एंड उसी के लिए उसने तुरंत एक रॉड के साथ डायमेंशन को चेंज किया एंड 5 डायमेंशन में आने के बाद उसने तुरंत अपने बेटे फोना से हमारी बैटल शुरू करवा दी। तो फोना भाई यहाँ पर पावरफुल था बट एक्चुअली इसने अपनी पावर ओमनिक्रॉन को दे दी थी तो इसके लिए इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर घट गई थी, बिल्कुल आधा पावर घट गया था इसका। तो हमने इसको बहुत इजीली हराया एंड फिर ओमनिक्रॉन ने अपना दूसरा डायमेंशन बुलाया एंड ये था वाटर डायमेंशन, जिसका मतलब था हम एक्वा से बैटल करने वाले थे। तो इस एक्वा भी पावरफुल थी एक्चुअली में, बट मेरे नेक्स्ट वन भी अपने आप में ओवर पावर्ड है। तो हमने तुरंत इस एक्वा को हराया एंड आफ्टर डेट फिर से डायमेंशन चेंज कर दिया इसने एंड इस बार था विंड वाला डायमेंशन, मतलब वेंट्रा ऑफ द टेम्पेस्ट से बैटल। तो इस वेंट्रा ऑफ द टेम्पेस्ट को भी इस बार हमने बहुत इजी तरीके से बीट कर डाला विथ यूजिंग माई शेर। तो शेर ने बीट करने के बाद वापस से यहाँ पर डायमेंशन चेंज होती है एंड अब हम बैटल करने वाले थे लुक्स ऑफ द लाइटनिंग से। तो लुक्स ऑफ द लाइटनिंग यहाँ पर लिटरली बाकी सब लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट ये जितना भी उछल जाए जीतने वाले तो हम ही थे। तो मेरे नेक्स्ट मॉन ने बहुत इसी तरीके से इसको बाद में हरा डाला था कुछ ही अटैक्स के अंदर एंड आफ्टर डेट फाइनली तरीके से ओमनिक्रॉन वापस से डायमेंशन चेंज करता है एंड हम अपने रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं एंड ये था वही नेक्स्ट लॉर्ड का टावर जो कि टूट फूट गया था एंड अब ओमनिक्रॉन के खिलाफ हम अपने नेक्स्ट मॉन से लड़ने वाले थे एंड इसके खिलाफ भाई साहब हम सब एक साथ लड़ने वाले थे। एंड फिर क्या था, किंग ऑफ द मॉन्स्टर से हमारी यहाँ से बैटल शुरू हो जाती है एंड आफ्टर डेट इसकी भाई एचपी रेम देखना बहुत ही ज़्यादा है भाई, इसकी एचपी 3000 एंड इसका टाइप है नॉर्मल टाइप जिसपे कोई और टाइप लिटरली इफेक्टिव है ही नहीं इस गेम के अंदर एंड ये बहुत टाइप पे इफेक्टिव है बट इस पर कोई टाइप इफेक्टिव नहीं है, इसके खातिर मेरे अटैक इस पर लग नहीं रहते एंड मेरे सारे नेक्स्ट वन ऑलरेडी काफ़ी डैमेज थे दूसरे बैटल्स के दौरान तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पोजिशंस का यहाँ पर यूज़ करना पड़ा बट मैं इसके भाई बहुत अच्छी तरीके से डैमेज दे रहा था एंड ऐसे करते करते मैं नेक्स्ट वन ने इसे बहुत लो कर दिया था एंड फिर मैंने कुछ पोजिशन का यूज़ किया इस बैटल के दौरान एंड ऐसे करके मैंने ओमनिक्रॉन को पूरा लो करके फाइनल अटैक के साथ मैंने इस ओमनिक्रॉन को बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला एंड फाइनली इसके बाद ह्यूमन चैंपियन यानी कि मैं जीत जाता हूँ एंड ओमनिक्रॉन हार जाता है। बट ओमनिक्रॉन मरते मरते कहता है कि जब तक इस दुनिया में मेरे नेक्स्ट समान जिंदा है मैं कभी हार नहीं सकता एंड आफ्टर डेट हमें दिखाया जाता है कि हम एक फॉरेस्ट में सो रहे हैं एंड डीना में उठा रही थी यहाँ पर एंड उसके बाद हम उठते हैं, डीना में बताते हैं कि तुमने अभी भी इस दुनिया को बचाया है एंड ये इजी नहीं था बट तुमने ये कर दिखाया एलेक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड बाय द वे ये बोलते हैं ह्यूमन एंड नेक्स्ट वन हमेशा एक साथ रह सकते हैं कि नहीं, हम बोलते हैं ऑफकोर्सली यार ह्यूमन एंड नेक्स्ट वन हमेशा एक साथ रह सकते हैं एंड उसके बाद ये अपनी रियल फॉर्म हमें दिखाने वाली थी। एक्चुअली हमें बोलते हैं कि ओमनिक्रॉन के एक चिल्ड्रन है जो कि ह्यूमनिटी में बिलीव करती है एंड वो है नोरा ऑफ द फॉरेस्ट एंड ओल्ड वर्ल्ड जो ह्यूमन एंड नेक्स्ट वन के बीच हुआ था उसमें उसने हिस्सा नहीं लिया था, मतलब मना कर दिया था एंड ओमनिक्रॉन ने उसे निकाल दिया था इसलिए 1000 ईयर से नारा को किसी ने नहीं देखा बट वो हमेशा ह्यूमनिटी में बिलीव करती है एंड आफ्टर डैट अपनी दोस्तों डीना थी ना वो अपनी रियल अवतार दिखाने वाली थी, एक्चुअली वो ही थी नारा ऑफ द फॉरेस्ट एंड उसी ने हमारे नेक्समॉन को बचाया था डार्क होने से, मतलब उसने ही ओमनिक्रॉन के ओराक से हमें नेक्समॉन को बचाया था एंड उसने हमारे नेक्समॉन को मिस्टीरियस फोर्स से हील किया था जब हम बैटल कर रहे थे ओमनिक्रॉन से। बाय द वे जो भी हो, इसने बताया कि इसके फादर एंड सिबलिंग्स अभी इस दुनिया में कभी नहीं आ सकते, मतलब ओमनिक्रॉन एंड उसके जो चिल्ड्रंस थे एंड अभी ह्यूमनिटी सेफ है एंड आफ्टर डेट यहाँ से हमारी गेम इंड हो जाती है। सो गाइस तुम बताना तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी, मतलब मुझे तो भाई बहुत मस्त लगी ये वाली गेम एंड एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैं आशा करता हूँ पोकेमॉन कंपनी भी ऐसी हमारे लिए कोई गेम लाए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मजा आया एंड हम एंड्रॉइड पे भी खेल सके उस गेम को। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब लोग लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो लेट्स बाय मीट अगेन गाइस, मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।